ओके लेट्स स्टार्ट। सो स्क्रीन पे आप देख सकते क्या चल रहा है, जिसमें वंस अगेन कोई भी अगर कॉरपोरेट थोड़ी सी कमजोर स्लाइटली कम ज्यादा नहीं है, कोई भी जगह पे अगर ज्यादा कम नहीं, 1,00,000 रुपए भी अगर नहीं दिए होंगे तो उस केस में हम लोग कर सकते हैं अप्लाई उस कंपनी के खिलाफ। जैसे कि SBI अप्लाई कर सकता है वीडियोकॉन के लिए, इज इट ओके? हाँ, 1,00,000 रुपए कितना डिफॉल्ट 1,00,000 रुपए 1,000 रुपए विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह है कि 1,00,000 1,00,000 रुपए तो ठीक ही है, कल चेक के गवर्नमेंट को लगता है बहुत सारी केसेस NCLT में आने लगी है तो यह संख्या को 1,00,000 से बढ़ाकर 1,00,000 तक ले जा सकते हैं। बताएंगे एप्लीकेशन किसको करना पड़ेगा? AA, दुनिया में दो टाइप के ए है, एक NCLT और एक है DRT, हमारे लिए कौन सा एप्लीकेबल है? उस केस में क्या होगा? Within 14 days NCLT will accept or they may reject also. In case of the rejection they'll get 7 more days to rectify their mistakes. अगर मान लीजिए एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टेंस के 14 डेज के अंदर क्या होगा? अरे आपको जवाब देना है आपके सामने ही, 14 डेज के अंदर क्या होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ किसकी? IRP को 14 डेज के अंदर अपॉइंट करेंगे। IRP जनरली 30 दिन तक काम करता है, पर हमने कल एक अमेंडमेंट देखा जिसमें लिखा था कि IRP तब तक काम करेगा जब तक अगला बंदा ना आए, तो जनरली ऑन एन एवरेज जो होता है वो 30 दिन ही होता है, पर इनकेस 30 दिन से एक्सटेंशन के वजह से RP जब तक नहीं आएगा तब तक IRP अपना काम करता रहेगा। IRP का काम कौन सा है? सबसे पहली बात बताना कि पब्लिक अनाउंसमेंट में कि मैं आ चुका हूँ, 3 दिन के अंदर बोलेगा मैं आ चुका हूँ, लोग अपने क्लेम सबमिट करेंगे, मैं वेरीफाई करूंगा और जो जो का क्लेम फाइनल हुआ उनको COC में लिया जाएगा। COC की स्थापना होने के बाद में विद इन 7 डेज इट इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द मीटिंग ऑफ COC। देर आर टू डिसीजन विच इज टेकन इन COC। नंबर 1, इधर वो IRP बन जाएगा या कोई नया RP को अपॉइंट किया जाएगा। नया RP अपॉइंट करना है तो किसको बोलना पड़ेगा? NCLT को बोलेंगे, NCLT IBBI बोर्ड को बोलेगा और IBBI बोर्ड 10 दिनों के अंदर दूसरे बंदे को यहाँ पे भेजेगा। उसके बाद में होगा क्या? उसके बाद में मेमोरेंडम का सर्कुलेशन होगा। जो बंदा आरपी बना है ही विल कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, वो कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एंड दिस इन्फॉर्मेशन विल बी यूज टू मेक वॉट? रिजोल्यूशन प्लान। फिर रिजोल्यूशन प्लान जो सबमिट करेगा कौन? रिजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिट करेगा रिजोल्यूशन प्लान। वापस से बोला क्या होगा? प्लान सबमिट करने के बाद में COC एक तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। हाँ बोल दिया COC ने और एक NCLT से पूछना पड़ेगा। NCLT भी हाँ बोल सकता है, NCLT भी ना बोल सकता है। NCLT ने यदि हाँ बोल दिया तो कंपनी इसी प्लान के मुताबिक चलते रही, NCLT ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर कंपनी का लिक्विडेशन होना तय है। इज इट ओके? इसी चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी बात। एप्लीकेशन कितने लोग कर सकते हैं? एक फाइनेंशियल क्रेडिटर, दूसरा ऑपरेशनल क्रेडिटर, तीसरी बात जो कॉर्पोरेट डेटर मतलब वीडियोकॉन इटसेल्फ, और वन मोर फाइनेंशियल क्रेडिटर के रिप्रेजेंटेटिव भी आजकल अप्लाई कर सकते हैं। इज इट ओके? मीटिंग के अंदर बैठने वाले लोग होते कौन है? मतलब जनरली मीटिंग के अंदर वोटिंग करने वाले लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, बैठने वाले लोग चाहे बहुत सारे हो जाए, यू नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इवन ऑल्सो इन्वाइटेड, द ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑल्सो इन्वाइटेड, बहुत लोग इन्वाइटेड होते हैं, पर जो मीटिंग है वो मीटिंग में वोटिंग करने का राइट जो किसका है? ओनली एंड ओनली वॉट? फाइनेंशियल क्रेडिटर। कोई बंदा फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है तो उसको जितना फाइनेंशियल डेट उसका है उसके मुताबिक उसको वोटिंग दी जाएगी। बताओ वोटिंग मेंबर वाइज की जाती है या डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द डेट? इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ डेट। बताएंगे CIRP का कंप्लीट ड्यूरेशन कितना होता है? 100 एंड फर्दर एक्सटेंशन हाउ मच? तो 180 प्लस 90 इज इक्वल टू, तो आप बताएंगे 180 को 90 डेज भी कर सकते हैं। अगर कौन अप्लाई करता है तो कमिटी अप्लाई करती है, NCLT को बोलेंगे साहब वी नीड मोर 90 डेज, तो देर विल बी एन एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज, मतलब इट विल बी टोटली 270 डेज। ये पूरी कहानी हम लोग 32 सेक्शंस के अंदर पढ़ते हैं। बताओ इस पेज में हुआ क्या है? कौन जा रहा है कौन आ रहा है? कंपनी के अंदर कौन रहेगा, कंपनी के अंदर कौन नहीं रहेगा, कंपनी के अंदर कौन अब नहीं रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयरहोल्डर्स विल नॉट गेट एनी चांस टू यू नो इंटरफियर इन द मैटर। उनका काम सिर्फ ये जो IRP और IPI उनको हेल्प करना ही होता है। ये बात हमने ऑलरेडी देखी थी, ये 3 लोग हैं जो अप्लाई करते हैं। रिकॉल सेक्शन नंबर 7, डू यू रिमेंबर? याद आ रहा है क्या?
7 is for the financial creator, 8-9 is for the operational creator, and 10 is for what? कॉर्पोरेट डेटर, मतलब अगर वीडियो कॉल खुद बोलता है तो. 7 नंबर में कौन बोलेगा, क्या बोलेगा? ये रहा सब डेटा, देगा एनसीएलटी को, एनसीएलटी को इनवॉइस देगा, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देगा, और बोलेगा ये बंदा मेरे पैसे दे रहा नहीं. 14 डेज के अंदर एनसीएलटी हाँ बोलेगा ना बोलेगा? हाँ बोलने पर बहुत अच्छी बात है, ना बोलने पर 7 डेज के अंदर रेक्टिफाई करने का मौका दिया जाएगा. अच्छा तो हाँ बोलने पर के बाद में क्या होगा? हाँ बोलने वाला जो दिन है उसको बोलेंगे सीआरपी का कमेंसमेंट हो चुका है. ओके, सेक्शन नंबर 8 एंड 9 वी हैव टू रीड टुगेदर. सेक्शन नंबर 8 एंड 9, लाइक वी हैव सीन इन द फाइनेंशियल क्रिएटर, सेम केस इज नॉट विद द ऑपरेशनल क्रिएटर. ऑपरेशनल क्रिएटर को पहले एक्स वाई जेड जो कंपनी जिन्होंने गुड्स सप्लाई किया हुआ है वो पहले नोटिस भेजेंगे कि भाई मैं तेरे खिलाफ एनसीएलटी में जाने का सोच रहा हूँ, एक तो तू मेरे पैसे दे दे, या तो कम से कम ये तो प्रूव कर दे कि तेरे पास मेरा कोई डिस्प्यूट है. अब तो दोनों भी नहीं करेंगे तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, मैं जाऊँगा एनसीएलटी सेक्शन नंबर 9 में. फिर एनसीएलटी को हम लोग सब कुछ डेटा सबमिट करेंगे, फिर एनसीएलटी 14 डेज के अंदर हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? ना बोलेगा तो 7 दिन का रेक्टिफिकेशन पीरियड मिलेगा. हाँ बोलने पर क्या होगा? अच्छा हाँ कब बोलेगा एनसीएलटी? एनसीएलटी हाँ तब बोलेगा, बोलेगा कि मैंने चेक, क्या चेक करेगा एनसीएलटी? कि पैसे, इसको पैसे, एक्स वाई जेड को पैसे मिले नहीं है, ना कि वीडियो कॉल ने कोई डिस्प्यूट शो किया है और बराबर से वीडियो कॉल के ऊपर नोटिस सर हुई थी, सब कुछ हुआ था. अगर इन सारी बातों से वो सहमत होता है कौन, तो क्या करेगा एनसीएलटी? आईबीसी का अप्रूवल दे देगा और फिर कंपनी का सीआरपी, दैट इज व्हाट, कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरुआत हो जाएगी. ठीक है, ओके. ये सेक्शन नंबर 10, बोलेंगे 10 में क्या था? ये खुद बोल रहा है कि मुझे मरना है, वो खुद ही बोल रहा है मुझे नहीं जीना है. ऐसा बोल सकता है क्या वो कि मुझे नहीं जीना है? क्या देना पड़ेगा उसको? इज सपोज टू सबमिट ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा, साथ में उसकी कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा, और वही भी बोलेगा कि ये हमारा बंदा आईआरपी रहने वाला है. देखो तीन बातें दिख लो, जो बंदा एप्लीकेंट है वो तीन बातें देगा, एक तो एसआर देगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देगा, और जो प्रपोज आईआरपी उसका नाम देगा. किसको देगा? एनसीएलटी को. एनसीएलटी विचार करेगा हाँ बोला तो अच्छी बात है, ना बोला तो, ना बोला तो फिर क्या, और 7 दिन का रेक्टिफिकेशन अपडेट देगा. रेक्टिफाई किया तो ठीक है, ना तो फिर सीआरपी से स्टार्ट नहीं होगा. बराबर है? एक गाइस कम ऑन, खत्म है, खत्म. सेक्शन नंबर 11 में बताओ कौन से लोग या कौन से समय पे हम कहेंगे क्या नहीं हो सकता, कौन से समय पे कौन से लोग बताएंगे क्या नहीं कर सकते, कब हम लोग कहेंगे कि अब ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता. एक, ऑलरेडी किसी कंपनी का सीआईआरपी चालू है, बराबर है, ओके, जिसका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. और क्या करेंगे ना, ऑलरेडी स्टार्ट हुआ तो हुआ है. नंबर दूसरी बात, 12 महीने का वक्त खत्म नहीं हुआ, अभी तक तो शुरुआत ही हुई है, तो क्या आपको दिखेगा? जिसका ऑलरेडी लिक्विडेशन चालू हुआ है, तो जिसका लिक्विडेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उसका क्या, मतलब जो मरने के हालात में उसको क्या उभारेंगे अब? और चौथी बात क्या मालूम है, ऑलरेडी जो सीआरपी, जो एनसीएलटी ने हाँ बोला था, उस हाँ बोलने वाले प्लान को, जिस प्लान को एनसीएलटी ने सैंक्शन किया था, इन लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया. तो फिर आप वो बोलता है, एनसीएलटी बोल रहा है मैंने पहले भी आपके लिए इतना किया था, मैंने पहले वाले प्लान को भी सैंक्शन किया था, वापस तुम बोल रहे हो नया प्लान. क्यों नया प्लान बनाया? जो पहले वाला प्लान है उसको ही फॉलो करो, वापस वापस क्यों आते हो? नेक्स्ट सेक्शन नंबर 12, देख कर बता दो क्या लिख रहा है. कुछ तो 66% की बात हो रही है, क्या चल रहा है ये सब? एनसीएलटी अगर चाहता है तो एनसीएलटी मे डिमांड फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज मोर. एनसीएलटी करेगा अप्लाई या फिर सीओसी करेगा अप्लाई? किसको करेगा अप्लाई? और अगर एनसीएलटी लगता है वो जायज है तो एनसीएलटी मे गिव एन एक्सटेंशन ऑफ 90 मोर डेज. तो टोटल पीरियड विल बी हाउ मच? 270 डेज. कितने परसेंटेज? 66%. सेक्शन नंबर 13, अभी तक के सारे सेक्शन नंबर बोल सकते हैं आप. सेक्शन नंबर 6, 7, 8 ऑपरेशनल, 9 ऑपरेशनल, 10, 11 कौन से हालात में सीआरपी नहीं चालू हो सकते. सेक्शन नंबर 12 एक्सटेंशन, सेक्शन नंबर 13
पब्लिक अनाउंसमेंट कितने दिनों में? 3 डेज में कर देगा। और कहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट होती है? IBBI के बोर्ड पे। एक साइड में वेबसाइट दिखाई थी ना कल, IBBI के इस बोर्ड पे वेबसाइट पर अनाउंसमेंट हो जाएगी कि इसका हम लोग CIRP चालू कर रहे हैं। आपको याद है कल मैंने एक पूरी लिस्ट दिखाई थी क्या क्या दिखाया जाता है उसमें, कि कमेंसमेंट कब होगा, कितने दिनों में लोग अपना क्लेम सबमिट करेंगे, लास्ट डेट 180th डे का लास्ट डे कब होगा, कौन सा बंदा होगा जो IRP बोल के अपॉइंट हुआ है, कौन से कंपनी का हो रहा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। पर ये कुछ लिख रहा है यहाँ पे, जैसे IRP अपॉइंट होता है ना, वो कमेंसमेंट के 3 दिन के अंदर तो बोलेगा ही कि मैं आ चुका हूँ, उस कंपनी का मोरेटोरियम चालू हो जाता है। मोरेटोरियम मतलब क्या? स्थगिति, स्टे। उस समय कंपनी के ऊपर कोई भी नया केस कोई भी दाखिल नहीं कर सकता, जो पुरानी चल रही है उसके ऊपर कोई भी नई तारीख नहीं आएगी, जो चल रहा है वही रहेगा। जो कंपनी के जो सरफाइसी वाले जो केसेस चल रहे हैं उसको वो क्रेडिटर्स बेच नहीं सकते। जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, ओनर्स अंटोगिमर लेसोर, वो लेसोर भी अपनी प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते। कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक मोरेटोरियम खत्म नहीं होगा। कैन यू प्लीज़ टेल मी मोरेटोरियम को इतनी इज्जत क्यों है? मोरेटोरियम को इतनी इज्जत है बिकॉज अनुजन जस्ट गॉट अपॉइंटेड, ही सेइंग आई एम राइट नाउ प्रिपेयरिंग अ प्लान ऑफ रिवाइवल। ये सारी चीज़ों में मैं लग जाऊँगा तो मैं काम कैसे कर पाऊँगा? तो दैट इज व्हाट ही सेइंग कि लेट मी वर्क, लेट मी फोकस। इन सब चीज़ों से मुझे थोड़ा सा अलग रहना है। एक बार प्लान बन जाएंगे वापस मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा। क्या मोरेटोरियम ये श्योरिटी को भी लगता है क्या? मान लो शरद पवार ने किसी का श्योरिटी बनाए, वीडियोकॉन का श्योरिटी शरद पवार, तो वीडियोकॉन की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, वीडियोकॉन के साथ में नया केस नहीं कर सकते, पर शरद पवार के खिलाफ कर सकते, उसके खिलाफ कर सकते हैं। ओके, ये है मोरेटोरियम। तो मैंने सेक्शन नंबर 13 भी आपको पढ़ाया, सेक्शन नंबर 14 भी आपको पढ़ा दिया, सही है? कौन से काम नहीं करना पता। मोरेटोरियम पीरियड खत्म कब होता है? मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो जाता है तब जिस दिन CIRP खत्म हुआ। अब CIRP में अगर मान लो अगर वो प्लान अगर एक्सेप्ट हुआ भी तो मोरेटोरियम खत्म है, रिजेक्ट हुआ तो वैसे भी खत्म ही है। रिजेक्ट हुआ तो लिक्विडेशन चालू हो जाएगा, लिक्विडेशन तो मोरेटोरियम खत्म हो गया। और अगर प्लान एक्सेप्ट हो गया तो वैसे भी मोरेटोरियम खत्म है। तो लिखा है मोरेटोरियम कब खत्म होगा, चाहे आप वो प्लान को अप्रूव करें चाहे रिजेक्ट करके लिक्विडेशन चालू कराए, तो मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा। बताएंगे मोरेटोरियम के दौरान कौन से चार काम, मोरेटोरियम के दौरान कौन से चार काम नहीं हो सकते। एक, कंपनी के खिलाफ कोई भी नई केस दाखिल नहीं हो सकती है। पुरानी केसेस जो चल रही है उसमें कोई भी नया तारीख नहीं मिलेगा। कोई भी केस में कंपनी के प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। उसके बाद में सरफाइसी के तहत कोई भी सन्ड्री क्रेडिटर्स और कोई भी सिक्योर क्रेडिटर्स कंपनी के असेट्स को एक्वायर नहीं करेगा। और चौथी बात, कंपनी के जो लेसोर्स है, जो कंपनी के ओनर्स है, वो अपने प्रॉपर्टी, जैसे वीडियोकॉन ने किसी की प्रॉपर्टी किराए पर ली होगी तो उस प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए कोई भी ओनर फोर्स नहीं करेगा, इस पीरियड में स्टे आ जाएगा, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन नंबर 15, कैन यू प्लीज रिकॉल ऑल द सेक्शन नंबर वंस अगेन? सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6 में थे कि वो कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, वीडियोकॉन इटसेल्फ, 7 में फाइनेंस, 8-9 ऑपरेशन, 10 वीडियोकॉन इटसेल्फ, 11 कब CIRP स्टार्ट नहीं हो सकता। CIRP स्टार्ट कब नहीं हो सकता मालूम है? सेक्शन नंबर 12, समझा नहीं? कितने दिनों में, कितने दिन के लिए? 90 एक्सटेंशन मिलेगा। 13 अनाउंसमेंट के मोरेटोरियम, अनाउंसमेंट होगा और मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा। और 14 बोलते हैं मोरेटोरियम में एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और 15 तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है? यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा, देखो ये लिख रहा है यहाँ पे कि हम लोग डिक्लेरेशन मोरेटोरियम एंड द पब्लिक अनाउंसमेंट, और यहाँ पे लिख रहा है पब्लिक अनाउंसमेंट में एग्जैक्टली क्या क्या लिखा जाता है, ठीक है ना? दोनों सेक्शन में कन्फ्यूज मत होना। डिक्लेयर यहाँ पे मेनली फोकस मोरेटोरियम पे है, जिस दिन हम लोग पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं मोरेटोरियम स्टार्ट होता है। और 14 में लिखा है कि मोरेटोरियम में एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें नहीं होती। वापस से आपको लग रहा है 15 में अनाउंसमेंट रिपीट हो रहा है, पर 15 में वो डिक्लेयर कर रहा है एग्जैक्टली कि पब्लिक अनाउंसमेंट जब होगा तो उसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है ना?
सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज. एक्चुअली सेक्शन नंबर 13 डिपेंड्स ऑन सेक्शन नंबर 15. 13 का मोरेटोरियम तब स्टार्ट होगा जब 15 में अनाउंसमेंट होती है. पर यहाँ पे 13 में मुझे पब्लिक अनाउंसमेंट बताना जरूरी था बिकॉज पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद ही तो मोरेटोरियम चालू होगा. इज इट ओके? वंस अगेन ऑल द सेक्शंस टुगेदर. नंबर 1, नंबर 6, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो OC कर सकता है, FC कर सकता है, वीडियोकॉन खुद कर सकता है. वीडियोकॉन का नाम है कॉर्पोरेट डेटर्स. आगे जी, सेक्शन नंबर 7 फाइनेंशियल, 8-9 ऑपरेशनल, 10 कॉर्पोरेट डेटर. सेक्शन नंबर 11 CRP कब नहीं होगा. सेक्शन नंबर 12 एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज. सेक्शन नंबर 13 मोरेटोरियम अनाउंसमेंट पे डिक्लेयर होता है. 14 मोरेटोरियम का डिटेल में कौन से काम मोरेटोरियम में नहीं कर सकते. सेक्शन नंबर 15 3 दिन के अंदर उसको पब्लिक अनाउंसमेंट करना, और पब्लिक अनाउंसमेंट के इसके अंदर क्या क्या एग्जैक्टली लिखा होना चाहिए उसके बारे में जानकारी. ये चीज़ें मैंने आपको कल दिखाई थी, एक नोटिस मैंने आपको दिखाया था, रिमेंबर? या आगे जाते सेक्शन नंबर 16. क्या है ये सब? समझाने में क्या है? अपॉइंटमेंट टेन्योर पावर ऑफ IRP, इसका मतलब क्या हुआ है? सर कुछ नहीं, अपॉइंटमेंट क्या 14 डेज के अंदर उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा. एक बार वो चीज़ें एक्सेप्ट हो गई तो क्या होगा? हम अप्लाई करेंगे, NCLT को, NCLT विल टेक 14 डेज टू से यस और नो. एक बार NCLT ने हाँ बोल दिया, NCLT विल टेक अगेन 14 डेज मोर. काय के लिए? IRP को अपॉइंट करने के लिए. तो 14 प्लस 14, ये आपका रहा इमेज. आप भूल गए क्या इसको? बार बार भूल जाते हैं, क्या करते हैं बसे? इससे में ही है. ये दिमाग में नहीं रहता आपके. 14 डेज में NCLT हाँ या ना बोलेगा, उसके अगले 14 डेज में IRP का अपॉइंटमेंट होगा. IRP आएगा तो 3 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा. याद करे थे क्यों नहीं है? कितने बार दिखा था हॉलेज से देख के चुपचाप हो जाते. क्यों दिखा रहा मैं आपको ये? ये टाइमलाइन है. ICA के मॉडल में ऐसा कुछ लिख के दिया नहीं है, पर उस सारे सेक्शंस का पूरा अगर मैशअप करके बनाएंगे तो ऐसा बनेगा. ऐसे से तोड़ तोड़ के देता, ये सेक्शन में वो कहा, ये सेक्शन में, अब वो सब जोड़ेंगे तो ऐसा दिखता है. तो पहले हमने अप्लाई किया, 14 डेज में NCLT हाँ या ना बोलेगा, हाँ या ना बोलने के 14 डेज के अंदर IRP अपॉइंट होगा. IRP आने के 3 डेज के अंदर वो पब्लिक अनाउंसमेंट करता है. IRP को पूरा पीरियड 30 डेज का मिलता है, जिसमें वो क्या करता है, अनाउंसमेंट करेगा, क्लेम मंगवाएगा, लोग क्लेम वेरीफाई करेंगे, COC बना देंगे. फिर COC बनने के 7 दिनों के अंदर COC की कमेटी होती है, कमेटी की मीटिंग होती है, ठीक है. और ये पूरा जो टेन्योर है पूरा, इट इज़ नॉट मोर देन 180 डेज. 180 डेज का फर्स्ट डे कब चालू होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. जिस दिन से IRP अपॉइंट हुआ तब से नहीं, समझता है? तो कुल मिला के अगर मैं 14 डेज निकाल दूँ और 30 दिन निकाल दूँ तो 180 में से 54 डेज तो हमारे RP को प्लान बनाने के लिए मिलते ही नहीं है. बिकॉज 14 दिन तो इसने आने में लगा दिए, उसने भी फॉर्मेलिटी के लिए 30 दिन लिए, कमेटी बनने तक तो 54 डेज खत्म हो गए थे. सॉरी 44 डेज, 30 और 14. तो ये 44 डेज का तो कोई, तो ये 180 माइनस 44 जो भी आएगा उतना ही समय इस RP को मिलेगा वो प्लान बनाने के लिए. मतलब जो हम लोग कह रहे हैं ना 180, 6 महीने मिलेंगे, तो लगभग इसको सिर्फ 4.5 महीने के करीब करीब मिलते हैं सब बनाने के लिए. तो 4.5 महीने के अंदर उसको प्लान बनाना है, फिर प्लान COC अप्रूव करेगा, फिर सारे लोग अप्रूव करेंगे, ठीक है ना. सिर्फ ध्यान में रखना है इसको, दिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कौन से दिन पे क्या होता है. ओके, मैंने आपको पहले भी कहा था ये मास्टर चार्ट है, वहाँ से ही पूरा चैप्टर रन होता है. ओके, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वही तो बोल रहा है वो, अपॉइंटमेंट टेन्योर. क्या अपॉइंटमेंट? कितने IRP को अपॉइंट करें कितने दिनों में? 14 डेज. 14 डेज विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट कौन करेगा? NCLT. वेरी गुड. और क्या लिखा है? देखो देखो क्या लिखा है, इधर देखो अच्छे से.
किसको कंपलसरी है देना? फाइनेंशियल यानी कि SBI को और वीडियोकॉन को कंपलसरी IRP का नाम सौंपना जरूरी है, कॉर्पोरेट डेटर एंड फाइनेंशियल डेटर दोनों को भी। उस बंदे को एज इट इज हम लोग IRP बोल के अपॉइंट कर लेंगे अगर उसके खिलाफ कोई भी जुडिशियरी कंप्लेन नहीं चल रही तो। ऑपरेशनल क्रिएटर भी अगर नाम सो जाएगा तो हम उसको अपॉइंट कर ही लेंगे अगर उसके खिलाफ कोई भी जुडिशियरी या डिसिप्लिनरी कोई भी पेंडिंग केसेस नहीं चल रही है तो। अगर मान लीजिए ऑपरेशनल क्रिएटर ने किसी नाम को सुझाया नहीं तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में काम करेंगे, क्या करेंगे? NCLT को बोलेंगे, हे NCLT दूसरा बंदा चाहिए, NCLT विल मेक एन एप्लीकेशन टू IBBI बोर्ड और वहाँ से 10 दिनों के अंदर हमें एक नया IRP मिल सकता है। यही है सेक्शन नंबर 16। नाउ वी आर मूविंग ऑन सेक्शन नंबर, अच्छा क्या काम करता है बताइए आपको? IRP के काम बोल सकते हैं? कौन से काम करता है IRP? IRP चार काम करता है। एक आता है, अनाउंसमेंट करेगा, क्लेम मंगवाएगा, क्लेम वेरीफाई करेगा, कमेटी बनाएगा और एक काम कमेटी की मीटिंग करवा देगा। तो कुल मिला के पांच काम करता है। कौन से पांच काम? फिर से एक बार, नंबर वन आएगा, अनाउंसमेंट करेगा, पब्लिक को बोलेगा क्लेम दे दो, फिर लोग क्लेम देंगे, क्लेम को वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके COC बनाएगा, COC के बाद में मीटिंग करवाएगा। ये लिखा है सर, ओवर। क्या लिखा है ये, पढ़ो अच्छे से। वैसे IRP जब आता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की छुट्टी हो जाएगी, शेयर होल्डर्स का इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, तो सारे पावर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को थे उसको मिलेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको असिस्ट भी करना चाहिए, वो कंपनी के कोई भी सिस्टम्स को या अकाउंटिंग बुक्स को जाके चेक कर सकता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ everyone टू हेल्प हिम आउट। ये लिखा देखो यहाँ पे, एग्जीक्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्ट एंड एग्जीक्यूट इन द नेम ऑफ और ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स डिड्स। तो कंपनी के जो भी डिड्स वगैरह बनाना है, कुछ करना है, एग्जीक्यूट करना है तो कंपनी के बिहाफ में वही करता है। टेक सच एक्शंस इन द मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शन, जैसा बोर्ड लोगों ने स्पेसिफाई किया होगा वैसे सारे। बोर्ड खुद नहीं करेगा, बोर्ड उसको स्पेसिफाई करेगा कि हमारी कंपनी हम ऐसे काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत बोर्ड का सुन के काम कर सकते हैं बिकॉज इट डजंट नो मच अबाउट कंपनी। हैव द अथॉरिटी टू एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, मतलब कौन से? बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, टैली में देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, हैव द अथॉरिटी टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स। मुझे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों जरूरी है उसको? बिकॉज लोग अपना क्लेम देंगे, वो क्लेम वेरीफाई करेंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसका क्लेम था? तो टैली में जाके चेक करेगा सच में इसके अकाउंटिंग में एंट्री है कि नहीं। और वो भी जो बुक्स किसके पास में है, गवर्नमेंट के पास में है, ऑडिटर के पास में है, अकाउंटेंट के पास में है, वहाँ से भी बुक्स जाके देख सकते हैं। एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। उस समय ROC का रिटर्न भरना है या GST की फाइलिंग करना है, वो सारे काम भी वही देखेगा बिकॉज उस समय कंपनी का कोई भी रखवाला नहीं है, इज द ओनली पर्सन इज मैनेजिंग एवरीथिंग। इतना हमने सेक्शन 70 तक पढ़ा है। कैन यू प्लीज रीड ऑल द सेक्शन नंबर वंस अगेन, 6 नंबर से लेकर 17 तक के सारे सेक्शंस याद करो, आपका समय शुरू होता है। सेक्शन नंबर सारे याद चाहिए मेरे को, सेक्शन नंबर 6 टिल सेक्शन नंबर 17। छह नंबर में 3 लोग अप्लाई करते हैं, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, वीडियोकॉन इटसेल्फ मतलब CD। 7 नंबर में फाइनेंस, 8 नंबर में OC, 9 नंबर में OC, 10 नंबर में वीडियोकॉन मतलब कॉर्पोरेट डेटर्स, 11 में कौन से 4 केसेस में CIRP नहीं चालू होता है, 12 एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज, आगे क्या पढ़ो, 13 से लेकर 17 तक अच्छे से पढ़ो। याद करो सारे सेक्शन नंबर याद चाहिए मेरे को, 6 to 17।
चलो 11 में सीआरपी कौन नहीं कर सकता, 12 में एक्सटेंशन है, 13 में मोरेटोरियम चालू होता है पब्लिक अनाउंसमेंट होने के बाद, 14 में मोरेटोरियम एग्जैक्टली होता क्या है, कौन से चार काम नहीं होते, सेक्शन नंबर 15 में पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाती है, 16 में आईआरपी को अपॉइंट करते हैं वो 14 डेज के अंदर, और आईआरपी दो तरीके से अपॉइंट होता है, एक तो सीडी और एफसी जो है वो अपने से बताएंगे, उनको बताना ज़रूरी है, और ओसी नहीं बताएंगा तो फिर आईबीबी ऐसे हम लोग अपॉइंट करवा के लेते हैं। ओके डन है। सेक्शन नंबर कौन सा 17, व्हाट इज द सेक्शन 17, आईआरपी की पावर्स, क्या करेगा वो, कंपनी के डीड्स एग्जीक्यूट करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर के पास भी चेक कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से काम करता है और सारे कंप्लायंसेस करता रहेगा। इसके बाद में अच्छी बात यह है 18, 19, 20 सेक्शन हमारे दुनिया में है नहीं, सेक्शन नंबर 21 ही डायरेक्टली हमारे ज़िंदगी में, यहाँ से सिर्फ पढ़ेंगे फिर उसके बाद में हम लोग बुक से पढ़ना चालू करेंगे, आज हम लोग चैप्टर में काफ़ी कुछ आगे बढ़ जाएंगे। सेक्शन नंबर 21 कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स पब्लिक अनाउंसमेंट, क्या लिखा देखना जरा अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ, लोगों ने अपने क्लेम सबमिट किए, क्रेडिटर्स रिक्वेस्टिंग, लोगों को बोला कि सबमिट करो, लोगों ने सबमिट कर दिया, आईआरपी ने वेरीफाई किया कि किस किस की क्लेम बराबर है, तो लोगों ने बोला होगा मेरे 100 करोड़, तो क्या हाँ बोलेगा या टैली में चेक करेगा, टैली में चेक करेगा कि इसके 100 करोड़ है क्या नहीं, या फिर ऑल दी कोई एविडेंसेस वो चेक करेगा, कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी, अब जिन जिनका वेरीफाई हो गया क्लेम तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कंप्राइजिंग ऑफ ऑल दी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, यानी कि क्या ऑपरेशनल को नहीं लेंगे, पर क्या ऑपरेशनल को नोटिस भी नहीं भेजेंगे, मिलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बाकी क्या करेंगे, तमाशा देखेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, उनका आना और सिर्फ बैठना यही काम है, अगर वो नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, गेट लॉस्ट, नहीं आना तो क्या बात है, हम तो सिर्फ वैसी फॉर्मेलिटी कर रहे थे, आ जा भाई आ जा। जिस दिन सीओसी की स्थापना होगी उसके 7 डेज के अंदर फर्स्ट मीटिंग ली जाएगी, उस मीटिंग में दो फैसले होंगे कि ये आईआरपी आरपी रहे या फिर किसी नए आरपी को बुलाए, किसी नए आरपी को बुलाना है तो आपको एनसीएलटी को बोलना पड़ेगा, एनसीएलटी आईबीबीआई को बोलेगा, और आईबीबीआई 10 दिनों के अंदर यहाँ पे एक आरपी लाए, डिपेंड करता है आईआरपी की औकात कितनी है, कैलिबर कितना है, अगर वो अच्छा है तो वही आरपी बन जाएगा वरना नहीं बनेगा। आगे यहां पे आपके सामने कुछ बातें लिखी है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, सेक्शन 21 हमारा ऑलरेडी हो चुका था क्या, हो गया था ना, ठीक है, देखते हैं अभी मेन बुक में जाके सारी चीजें अब पढ़ते हैं, कल मैंने यहां तक पढ़ाया था आपको, देखो 24 भी पढ़ लिया था हमने ऐसे, यही जो एरिया है, इतना अमेंडमेंट जो 6A 6B जो हुआ है ये मैंने आपको अब तक नहीं पढ़ाया, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, मैं क्या पढ़ाऊंगा 24, सर 24 भी आपने ऑलरेडी पढ़ा दिया, अच्छी बात है पढ़ा दिया, तो अब मेरा समय आ गया मीटिंग्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ऐसा लिखा हुआ है ना, और ये सेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्या कोई किसी के बिहाफ में अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है क्या, कल हमने चर्चा की थी इसके ऊपर, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है ना, भेज सकता है कोई अपनी भी आप, अच्छी बात। अभी यहां लिख रहा है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उनके राइट्स क्या है, उनके ड्यूटीज क्या है, वो सब लिखा है, कहीं भी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का डेफिनेशन दिखता है क्या स्टार्टिंग में सेक्शन नंबर 2 हमेशा कोई भी एक्ट में डेफिनेशन के लिए यूज किया जाता है, और सेक्शन नंबर 1 में उस एक्ट के स्कोप ऑब्जेक्टिव्स वो लिखे जाते हैं, तो कोई भी एक्ट इररिस्पेक्टिव एनी एक्ट इन दिस वर्ल्ड फर्स्ट 2 सेक्शंस आर डेडिकेटेड, सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन होंगी, सेक्शन नंबर 1 में उसका ऑब्जेक्टिव स्कोप पर्पस क्या बोलते हैं उसको एक प्रीएम्बल, कभी सुना है प्रीएम्बल, अपना कोई डेफिनेशन है क्या ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का, है या नहीं है, हाँ इसी अरे अपने बुक में ही स्टार्टिंग में ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव किसको बोलते हैं, सर हमको क्या मालूम किसको बोलते हैं,
कहीं पे पढ़ा हमने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव? अरे वही लिखा है बाबा भाई 6.23 पे सेक्शन 6B। यहां पे क्या लिखा है? रेम्यूनेशन पेबल टू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये 6B है। सवाल उठ रहा है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन है? क्या इसके बारे में हमने कल कुछ पढ़ा था? कहां में पढ़ा था? थोड़ा सा किधर पढ़ा था? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, कौन अपॉइंट करेगा, ये होता है। क्या बोल रहे हैं? मुझे बोलना है इसके बारे में बहुत कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव यानी कि ये जितने भी लोग जो मीटिंग में आ रहे हैं, क्या वो अपने बिहाफ पे क्या किसी और को भेज सकते हैं? अगर वो भेज सकते हैं तो हम लोग कहेंगे वो बंदा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, ही इज रिप्रेजेंटिंग समबडी। ओके, ऐसे बंदे के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है ये यहां पे लिखा हुआ है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 21(6), आपको कुछ अंदाजा लगा होगा क्या बोल रहा है? सेक्शन नंबर 21(6) आपको अंदाजा लग चुका हो क्या बोल रहा है? जाओ ना फिर वहां पे देखते क्या हो। 21(6) एंड 21(6A। अरे क्या प्रीवियस पेज पे 21 और यहां पे लिखा है, देखो इन सबको यहां पे ये ई वाला पॉइंट क्या लिखा देखो। Where the terms of financial debt extended as a part of consortium, ये भी लिखा देखो यहाँ पे, एक representative आएगा। उसके बाद में किधर और लिखा है? तो इसके subsections का problem है। क्या लिखा देखो, ये सबसेक्शन 6, ये देखो ये 21 सेक्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर है। उसमें क्या ये पूरा अमेंडेड भी है जो साइट अभी चल रही है, जैसा अपन ने किया ना ये सब हाईलाइट किया है अमेंडमेंट, ये सब उन्होंने भी किया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लिखा है और 6 कौन सा लिखा है? 6A लिखा है क्या? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 21(6) एंड 21(6A और सेक्शन 24(5), ये तीनों हम देखेंगे वापस से। और शांति से पहले तीनों को समझे, ये पढ़ाए हुआ है, अब देखना क्या लिखा है। वेद टर्म फाइनेंशियल डेट एक्सटेंडेड एज अ पार्ट ऑफ कंसोर्टियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोर्टियम हियर? अगर बहुत सारी बैंक मिला के एक ही बंदे को अगर लोन दे रही है तो हम कहेंगे बैंक्स ने किया हुआ एक कंसोर्टियम है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, देना बैंक, इन सब ने मिला के अगर इकट्ठा मिला के अगर वीडियोकॉन को लोन दिया है तो ये बन जाएगा कंसोर्टियम आगे। और सिंडिकेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड फॉर द सिंगल ट्रस्टी, प्रोवाइड फॉर अ सिंगल ट्रस्टी और एजेंट टू एक्ट फॉर ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर, ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर में, ऐसा लिखा है। तो सब सबके सब मीटिंग में आएंगे क्या? नहीं आएंगे, सबके भी आप में कोई तो एक बंदा, मान लो मिस्टर एक्स वाज अपॉइंटेड एज अ व्हाट, द ट्रस्टी और द एजेंट ऑफ दिस, तो वो जाके मीटिंग अटेंड करेगा। तो ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर में ऑथराइज द ट्रस्टी और द एजेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ ऑन द कमिटी
इन द कमिटी ऑफ द क्रिएटर टू द एक्सटेंड ऑफ व्हाट, समझा क्या? हर कोई फाइनेंशियल क्रिएटर अपने भी आप में किसी को अपॉइंट कर सकता है. ईच फाइनेंशियल क्रिएटर में ऑथराइज द ट्रस्टी और एजेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, समझा? हर कोई बोलेगा मेरे बिहाफ में तो काम कर. रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन द कमिटी ऑफ द क्रिएटर टू द एक्सटेंड ऑफ व्हाट, समझा नहीं मैं क्या बोलेगा? मानो समझो तीनों का मिला के मिस्टर एक्स अपॉइंट हो तो क्या करेगा एक्स? वो तीन वोट करेगा. कैसी वोट करेगा? जैसे तीनों कहेंगे, जैसे तीनों कहेंगे वैल्यू होगा, पर वो उसके मन से कुछ नहीं करेगा. कहने का मतलब उसके मन से कुछ नहीं करेगा, उसको वही करना है जो मंजूर है सारे लोग बोल रहे. तो तीन लोग उसको बोलेंगे देख भाई ऐसे ऐसे बोलेगा मेरा 50% शेयर है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ICICI का 50 है, HDFC का 20 है, कितने हुए 70, और SBI का 30 है. तो SBI बोल रहा है कि मेरा इस प्रोजेक्ट के लिए ना है, नो नो, और ICICI और HDFC कह रहे हैं यस. तो वो क्या करेगा? मैं एक्स जा रहा है मीटिंग में, वो बोलेंगे काम करो 70% यस करो और 30% नो करो. अगर किसी मीटिंग में बोला 66 चाहिए तो बोलेगा 70% तो हाँ बोल रहे तो हो गया और 30% ना बोल रहे. वो जब जा रहा है ना उसके बॉडी में तीन लोग लेके जा रहे, तो तीन का वो पहले डिसाइड करेगा. देखो डिसीजन एक तो हाँ होगा ना तो ना होगा, तो क्या करेगा जितने उसके कंसोर्टियम के लोग हैं उसको दो हिस्सों में बांटेगा, कितने हाँ वाले कितने ना वाले. तो हाँ वाले बोलेंगे हाँ वाले 70% है, कितने चाहिए तुमको 66 चाहिए, हाँ रेजोल्यूशन पास. पर जब वो सबमिट करेगा ना वैसे हवा नहीं करेगा, उसके पास प्रॉपरली वो आपसे आया हुआ एक डेटा चाहिए जिसमें लिखा हुआ है कि सच में ICICI बैंक का हाँ है क्या ना है, नहीं तो कुछ भी बोलेगा जाके. और जो कंपनी जहाँ पे वोटिंग हो रही है इवन दे विल आस्क फॉर द प्रूफ, ये तू कैसे बोल रहा है, कहाँ लिखा है ICICI 50% है और कहाँ पर लिखा है ICICI हाँ बोल रहा है. तो सब कुछ वहाँ पे आना चाहिए ऐसे. अपॉइंट एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, फाइनेंशियल क्रेडिटर अपने बिहाफ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बुला सकते हैं other than the RP at his own cost to represent himself in the committee of the creditors to the extent of what, samjha kya samjha? agar wo ye bande ke sath mein kaam nahi karna chahta hai, ye kaun sa trustee wagera kya bulaya unhone agent, to chahta hai to ek RP ko bula sakta hai. pehle kya tha jo financial, iske aane se pehle ye amended ho raha, iske pehle kya tha jo banda FC hai na usko khud ko aake baithna hai. the point is bank ka har roz koi na koi paise dubata hai. कितने न जाने कितने IBC चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे जाके मीटिंग में बैठे, कहाँ पे क्या बोले. ऐसा नहीं है बहुत जगह पे देखो कोई कंपनी काम करती ना अपने एक सेपरेट दो चार लॉयर लगा के रखती, कोई भी केस आया ना खुद दिमाग नहीं लगाते, लॉयर की टीम बैठी चाहिए उनकी. तो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ मुझे कोई परेशान कर रहा तो मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मेरा लॉयर बात कर लेगा उससे. बड़े बड़े एक्ट्रेस के भी देखो लॉयर होते, दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व देमसेल्फ. तो ये वैसा है, अगर इसको लगता है ये अगर नहीं होता तो सोचा ना मतलब काम किसको आना पड़ता, कोई बैंक का CEO मैनेजर कोई बड़ा बंदे को आने के आके बैठना पड़ता है. और कितना काम है यार, बैंक के हर रोज कोई ना कोई पैसे डुबा रहे हैं तो काम कैसे चलेगा. इसलिए सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया, और सही लॉजिक है उसके पीछे. पहले नहीं था ये, पहले था नहीं ना, तो 2 साल तक इन्होंने बोला हिमसेल्फ इटसेल्फ जाना चाहिए. तो एक कैसे मुमकिन कैसे है, एक बैंक के लिए तो मुमकिन ही नहीं है. आगे एक्सरसाइज हिज राइट्स टू वोट टू द एक्सटेंट ऑफ हिज वोटिंग शेयर विद वन और मोर फाइनेंशियल क्रेडिटर जॉइंटली, से समझा नहीं है. एक्सरसाइज राइट टू वोट टू द एक्सटेंट ऑफ हिज वोटिंग शेयर विद वन और मोर फाइनेंशियल, मतलब कैसे सही ना वन और मोर. अब ICICI बैंक है और HDFC दोनों ने मिला के एक बंदे को अपॉइंट किया, तो जब वोटिंग करेगा तो दोनों का मिक्सिंग बोल के करेगा. तो समझो ICICI बैंक बोल रहा मेरा 60% है, HDFC बोल रहा मेरा 15% है, हम दोनों का हाँ है, तो जाके बोलेंगे हमारे दोनों का मिला के 75% है. तो एक बंदा, एक तो अगर उनको चाहे तो कॉमन में बुला सकते हैं, वो चाहे तो सेपरेट बुला सकते हैं, कोई बात नहीं. कहने का मतलब पूरे सेक्शन का इतना ही है, वो बुला सकते हैं, वो बंदे को वही काम करना पड़ेगा जो ये कह रहे हैं. इनका जितना वेटेज है, वेट समझता है वेट, उस वेट के हिसाब से वोटिंग करेगा. वो होशियारी नहीं करेगा, वो सिर्फ वहाँ पर भेजा गया बंदा है, उसके पास अक्ल नहीं है, उसको ये जो बोलेंगे वो करना है. वो खुद के डिसाइड से नहीं करेगा कि मुझे वोटिंग किसको करना है. इज इट ओके? खत्म है. अब देखते क्या लिखा है. वेर अ फाइनेंशियल डेट इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स एंड द टर्म ऑफ फाइनेंशियल डेट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ ट्रस्टी एजेंट्स टू एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स सच अ ट्रस्टी एंड एजेंट शैल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. अब ये जो चीज थी हमने अपने बुक से यहां से पढ़ना बाकी थी, राइट?
बराबर लिखा है ये भाई, देखो यहाँ पे। तो अपनी बुक में क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो था ना, ये सेक्शन 6 था, ये था सबसेक्शन 6, सेक्शन 21 सबसेक्शन 6 है, और ये है सेक्शन 6A। ये सबसेक्शन है एक्चुअली, इट इज नॉट अ सेक्शन। इसको मैं हटाता हूँ, या अभी हटा देना इसको यहाँ से। और ये जो लिख रहा है ना वो, ये सेक्शन 21 है और ये 6A है। बस ये हमारा पढ़ना बाकी है। मुझे बोलना है इसके बारे में। अब मैं बोलूँ, ये मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ये पूरा अमेंडमेंट है। सर अब ये क्यों पढ़ा रहे हो अभी? क्योंकि जो आने वाले सेक्शन है ना वो क्या बात कर रहा है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे उनके पावर्स क्या है, उनके ड्यूटीज क्या है। अगर वो, अगर मुझे यही पता नहीं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो मैं उनके पावर्स और ड्यूटीज कैसे पढ़ूंगा? नहीं समझा? वापस से, अभी तक हमने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पढ़ा फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंसोर्टियम। अभी हम लोग कंसोर्टियम की बात नहीं कर रहे, हम अलग बात करेंगे। अब देखना, ये तीन मुद्दे और इंट्रोड्यूस किए गए कि ऐसे समय पे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि एआर कौन हो सकता है। वेयर अ फाइनेंशियल डेट इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और द डिपॉजिट एंड द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ ट्रस्टी। अरे सिक्योरिटी मैंने लिख दो डिबेंचर, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स, डिबेंचर डिबेंचर, अरे डिबेंचर ट्रस्टी की बात कर रहा है वो। सारे डिबेंचर होल्डर मिलकर अपने ट्रस्टी को भेज देंगे। अरे कंपनी में डिबेंचर्स क्या एक होते, क्या लाखों डिबेंचर होल्डर्स होते हैं? क्या 1,00,000 लोग जाके बैठ जाएंगे मीटिंग के अंदर? कहाँ लेंगे मीटिंग? वानखेड़े स्टेडियम पे? अंडरस्टैंड करो, कोई एक उसका ये तो होना चाहिए ना, कहाँ पे बैठा है? बोले चलो, बोले चलो कहाँ, चलो दिल्ली, चलो मुंबई, चलो मुंबई। संख्या में इतने ज्यादा लोग हैं तो बैठेंगे कहाँ? तो उसके भी आप, अरे डिबेंचर ट्रस्टी आपने इंटर में पढ़ा होगा कभी, सारे डिबेंचर्स के भी आप वो लिखा। देखो अब तुम डिबेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो तुमको समझ में आएगा। In the form of debentures or deposit and the terms of the financial debt provide for the appointment, ये लोग appoint कर सकते हैं, a trustee मतलब debenture trustee agent to act authorized representative for all the financial creditors, उनके behalf पे वो trustee आके opinion देगा, वो करेगा meeting attend, such a trustee or agent shall act on behalf of किसके? तो 1,00,000 debenture holders होंगे, उनके behalf पे एक trustee voting करेगा। Is it okay? ये बात clear है? आगे ये हो गया clear। सी वाला पॉइंट पढ़ो जो बहुत इजी है। ये क्या बोल रहा है? इज अ रिप्रेजेंटेटिव बाय गार्डियन एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर। गार्जियन, गार्जियन क्या होता है? किसके गार्जियन होते? माइनर्स के। तो कोई माइनर फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो तो मीटिंग में जाके बेचारा बोल नहीं पड़ेगा, तो बोलते हैं माइनर को अगर नहीं बोलते आ रहा है तो उसके बिहाफ पे गार्जियन को भेज दो। कोई आदमी अनसाउंड माइंड हो गया तो उसके बिहाफ पे उसके गार्जियन को भेज दो। वैसे भी पागल क्या बात करेगा वहाँ मीटिंग में, सबको डिस्टर्ब ही करेगा। गार्जियन है, एग्जीक्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। सच अ पर्सन शैल एक्ट एज अ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ सच अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। सच मतलब कौन? सच मतलब कौन? सच मतलब कौन? जो माइनर है उसके बिहाफ पे उसका गार्जियन जाएगा। सच ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी एंड क्लॉज सी shall attend the meeting of the committee of creditor and vote on behalf of each financial creditor to the extent of what? Override A wala, B wala aur C wala. Jo bhi bande aayenge, wo kiske behalf mein vote karenge? Financial creditor ke behalf. Kitna voting karenge? Jitna unka debt hoga. Sahi hai? Aage. I hope you're understanding this. To A mein kya samjhaya aapne ko? Debenture trustee vote karenge. सी में समझा है? डिबेंचर होल्डर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, ऑब्वियसली है ना? कौन है फिर डिबेंचर होल्डर्स? नहीं नहीं आज होने देखो, लास्ट चल बात करेंगे। ये बोल रहा डिबेंचर होल्डर फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे हो गए? सही सवाल है कि गलत सवाल है इसका? गलत है ना? कैसे? डिबेंचर होल्डर क्या? डिबेंचर अगर मैं कंपनी हूँ, मैंने डिबेंचर इशू किए तो मी इशूइंग डेट, तो आप जो मुझे दे रहे हो पैसे तो आप कौन हो गए?
आपने गुड्स थोड़े ना दिए मुझे, व्हाट यू आर गिविंग मी, पैसा। अब पैसे के लिए मैं पैसा दूंगा आपको? हाँ जी हाँ, पर इसी जगह पे अगर मैं इक्विटी इशू करूंगा तो यू आर द ओनर, यू आर नॉट अ क्रेडिटर देन। बट व्हेन आई इशू डिबेंचर्स, रिडीमेबल इररिडीमेबल, यू बिकम माई क्रेडिटर, यू बिकम माई क्रेडिटर्स। अब आ गया, बहुत भारी चलेगा अभी। वो कल आया था ना अपने, वो केस एक जो डिबेंचर से इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, कल अपन ने देखा था ना केस, तो वो उनको फाइनेंस ही कंसिडर करेंगे। इज ओ टू, अभी एक और एक क्लास है इन लोग का। देखो दो रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आ गए जो मीटिंग में बैठेंगे, क्या है वही पहले था नहीं, या अब आया। तो अब क्या हुआ, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पहले थे नहीं तो उनके राइट्स भी नहीं थे। अब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आए हैं तो आगे सेक्शन में ये देखो लेट के लिख दिया उन्होंने, क्या करेंगे ये लोग। देखो आगे ये जिंदगी में नई चीज़ आ गई, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑथर। अगर पहले वो एआर थे ही नहीं तो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ से आएंगे? अब एआर आया है तो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज, तो ये नया सेक्शन चिपका दिया आपके पीछे, बोले ये भी पढ़ लो। ये देखो ये पूरा लेट लेके लाल लाल कर दिया, देखो ये देखो ये पूरा पढ़ना है आपको। तो पहले ये तो समझो कि सेक्शन सिक्स क्या है, सिक्स ए क्या है। सिक्स टॉक्स अबाउट द कंसोर्टियम, सिंडिकेट में अगर बैंक्स ने दिया होगा पैसा। अब आगे बोलो किसकी बात कर रहे हैं? अभी सिंडिकेट ने डिबेंचर होल्डर्स की बात की, माइनर्स की बात की, अब किसकी बात करेंगे देखते हैं। इज ओड टू अ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एक्सीडिंग द नंबर ऑफ एज मे बी स्पेसिफाइड अदर देन द क्रेडिटर्स कवर्ड अंडर क्लॉज ए एंड क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन सिक्स। मतलब जो ए में जो कवर हुए ना, ये छोड़ के कितने नंबर्स। अभी इसके ऊपर सर्कुलर जाहिर हुआ है और सर्कुलर में लिखा है मोर देन 10। ये जो सच है ना वो सच डिक्लेयर हो गया, अब वो सच का सामना हो गया, वो सच रूल में आया 10 है। अगर 10 एक क्लास के लोग हैं, यानी कि क्लास आप कोई भी पकड़ो, एग्जांपल डिबेंचर होल्डर्स ही पकड़ लो, और उन्होंने अपनी ट्रस्टी नहीं बनाई हुई, तो ये 10 लोग मिला के अपनी बिहाफ पे किसी और को भेज सकते हैं। इधर देखना, इज ओड टू क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एक्सीडिंग द नंबर्स एज मे बी स्पेसिफाइड। तो स्पेसिफाइड लिख दो आप, 10 और 10 से ज्यादा, इक्वल टू और मोर देन 10, ऐसे इक्वल टू और मोर देन 10 अदर देन द क्रेडिटर्स कवर्ड अंडर क्लॉज ए और सबसेक्शन 6। ऑफ होगा वो ऑफ। The interim resolution professional shall make an application to AA along with the list of all the financial creditor containing the names of insolvency professional other than the IRP to act their authorized representative who shall be appointed by AA prior to first meeting of the committee of creditors. क्या बोल रहे हैं? देखो भाई committee of creditor कौन बनाता है? आयर। तो आयर पे क्या बोलेंगे, तुम्हारा नहीं आना जम रहा क्या सबका? कोई बात नहीं, ये मैं आपको 3 नाम भेज रहा हूँ, मेरे अलावा और भी दुनिया में बहुत आरपी है, 3 नाम भेज रहा हूँ ए बी सी। तुम 10 लोग 11 लोग बोले, हम लोग 15 लोग हैं, हमारा आना जमेंगा नहीं। और बार बार यही काम नहीं, हम बहुत बिजनेस बड़े बड़े लोग हैं, इतना छपरी काम नहीं करेंगे, रोज आएंगे मीटिंग में। चलो ठीक है, तुमको 3 नाम भेजता हूँ मैं ए बी सी, तुम तीनों डिसाइड कर लेना इसमें से किसको चाहिए। अगर तुमने मिस्टर बी को सेलेक्ट किया तो आजकल में तुम 15 को आने की जरूरत नहीं, बी तुम्हारी बिहाफ में काम करेगा। ये जुगाड़ है, ये ट्रस्टी वगैरह नहीं है। डिबेंचर ट्रस्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो एक्ट के हिसाब से आती है, उसमें सेक्शंस है, कंप्लायंस है, वो अपने आईपीसी में पढ़ा होगा। डिबेंचर ट्रस्टी को एक अलग चीज़ है, पढ़ा है डिबेंचर ट्रस्टी अपने लॉ में, एक सेक्शन से प्रोविजन से उसके ऊपर। ये ट्रस्टी वगैरह नहीं है, ये ट्रस्टी तो फॉरएवर रहता है, चाहे वो सीओसी रहे ना रहे। ये तो ये बंदा जो है ना, ये जो रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है, ये जुगाड़ है कि भाई इनको लग रहा है अपना कोई वाली नहीं है, अपना कोई ट्रस्टी नहीं है। एक काम करेगा, रोज रोज कौन आते बैठेगा मीटिंग में? तो ये क्या बोलता है, आईआरबी बोलता है चिंता मत करो, मैं आपको 3 नाम भेजता हूँ, और फिर इसका अपॉइंटमेंट बकायदा किसके थ्रू होता है? एनसीएलटी के थ्रू होता है। अब पूरा वापस पढ़ना, अगर तुम्हारे वो एक्सीडिंग नंबर हो गए, अब मान लो 2-4 लोग का मिला के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता, वो एक्सीडिंग नंबर क्या बोला 10, कम से कम 10 लोग का मिला के लो, हर 2-2 का ग्रुप मिला के बोलेंगे मेरा हम दोनों का मिला के, ऐसा नहीं होगा।
कम से कम 10 लोग एफसी चाहिए, और 10 एफसी का मिला के एक बंदा अपॉइंट होगा। इन आईआरपी शैल मेक एन एप्लीकेशन टू किसको, ए अलोंग विद, क्या लिखा है, अलोंग विद द लिस्ट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल क्रिएटर्स, भाई ये क्रिएटर्स है, कंटेनिंग द नेम ऑफ द किसका, भाई इनके लिए कौन बंदा अभी मार्केट में अच्छा है, अदर देन द, अदर देन लोग खुद को छोड़ के, टू एक्ट देयर एज व्हाट, टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ, क्या बोलते हैं, उनके बिहाफ में वो क्या काम करेगा, एआर बोल के काम करेगा, वो शैल बी अपॉइंटेड बाय कौन, प्रायर टू, क्यों फर्स्ट मीटिंग, तो फर्स्ट मीटिंग में ये लोग 15 लोग आएंगे इसने ना, फिर वो 15 के भी आप भी मिस्टर भी आके बैठ जाएगा, बी बैठा तो समझ जाना 15 लोग उसके बॉडी के अंदर बैठे हुए, तो जब भी वो वोटिंग करेगा तो 15 के हिसाब से वोटिंग करेगा, 15 का जितना वेट आएगा उतना, इज इट ओके, खत्म हो गया। बताएंगे तीन लोग कौन से हुए, डिबेंचर ट्रस्टी वो बन जाएगा एआर, मिस्टर बी बन जाएगा केस नंबर 2 में 10 के ऊपर अगर रहेंगे तो वो बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, तीसरे में गार्जियन है, एग्जीक्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ये सारे लोग बन जाएंगे। ओके क्या बनेंगे, एआर बनेंगे, एआर, एआर मतलब क्या, मतलब वो मीटिंग में आएंगे, एआर मीटिंग में आएंगे, बस ये था अमेंडमेंट, सुपर। अभी यहां पे उनकी जिंदगी में और भी कुछ चालू है, आएंगे तो थोड़ा बहुत पैसा लेंगे कि नहीं, शांति नहीं जिंदगी में इनकी, वो एक बंदा आया ना उसने माहौल खराब कर रखा है, वो आया तो उसका नया अमेंडमेंट आया, आया तो बोले मैं पकड़ तो काम कर मेरे को पैसे भी दो, उसका अमेंडमेंट आया, आगे बोला मैं आया तो क्या करूंगा, ड्यूटीज पावर मेरे को वो भी बता दो, वो भी अमेंडमेंट आया, मतलब कोई लाओ में अगर एक चीज आती ना उसके पीछे 2-4 सेक्शन में आग लग जाती, और अपने जैसे बच्चों के लिए अमेंडमेंट्स आए थे, हम वैसी त्रस्त थे जिंदगी में। और सबसे बड़ी बात, तो घटिया बात बताओ, घटिया मुझे बताओ, हमारा प्रैक्टिस कंपनी लॉ में होने वाला है कि मेनली के DT IDT की ऑडिट में, DT IDT में मेनली हम लोग फाइनेंस में DT IDT भी काम करेंगे, CS को हर 6 महीने में अपडेट करके CA वाले बच्चों को परेशान करना तुमको लगता नहीं गलत है, अमेंडमेंट दुनिया में आ रहे ठीक है, ये क्या करते हैं हर 6 महीने के 6 महीने में अमेंडमेंट्स अपने सिलेबस में घुसेड़ते, हम क्या बोल रहे हैं, हम CA के स्टूडेंट हैं, 2-4 अमेंडमेंट अगर मान लो ये 6 महीने बाद पढ़ लेंगे तो हमारा क्या बर्बाद होने जैसा है। अब बच्चे ने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो उसको अलग पढ़ना पड़ता, वो बच्चा फेल हुआ सेकेंड अटेम्प्ट में बेचारा 4-5 लेक्चर और घर आके अमेंडमेंट पढ़ेगा, मतलब ऐसा वो क्या स्मार्ट बन जा रहा है अमेंडमेंट पढ़ के, और वैसे उसको कौन सी प्रैक्टिस करना है कंपनी लॉ में, अगर थोड़ा सा अमेंडमेंट नहीं पढ़ रहे तो क्या CA नहीं बनेगा वो, ये किसके लिए अमेंडमेंट, DT के अमेंडमेंट तुमने हर 2 दिन में पढ़ना चाहिए बता रहे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी DT, तो तुमको उस कंपनी लॉ में प्रैक्टिस ही नहीं करना है ना, कौन सा CA कंपनी लॉ में प्रैक्टिस करता है एक बताओ, CA पूरे पुणे में कंपनी लॉ में उसका मास्टरी सिर्फ वो कंपनी लॉ ही करता है, एक भी नहीं करता, कंपनी लॉ सिर्फ जुगाड़ एडिशनल धंधा करता है CA वाला बंदा, वो प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत काम आया तो क्लाइंट को एडवाइस करता है, CA कंपनी लॉ की प्रैक्टिस करता है, तो हमें क्यों इतना परेशान करना है, साल भर 2 साल बाद जो जो आएंगे एक साथ पढ़ा दो, हर 6 महीने में हमको भी बुक्स, मेरे जैसे टीचर को कितनी प्रॉब्लम है, अरे जब से अमेंडमेंट आया ना जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी, मुझे लगता मैं गलत टाइम पे टीचर बनाऊँ, मुहूर्त सही नहीं था, क्या हुआ 1956 की जो टीचर थे ना उन्होंने एंजॉय किया लाइफ, समझो 1990 में जो टीचर बना था 1985 में उसको कितना मजा था, तब तक वो एक्ट 1956 का एक्ट था, 1990 तक एकदम मैच्योर था, साला 1990 से लेके 2013 तक एक अमेंडमेंट नहीं आया, अमेंडमेंट ही नहीं, 40 अटेम्प्ट में अमेंडमेंट नहीं, साला एक बार रिकॉर्डिंग करो 40 अटेम्प्ट चलेंगे, यहाँ तो हर अटेम्प्ट में आग लगी, उसमें भी बच्चा कुछ नहीं हो रहा, सर तुमने वो अमेंडमेंट करने के लिए, अरे मुझे ये सपना आएगा कौन सा अमेंडमेंट आने वाला है, अब बच्चा क्या कर रहा है जिसका अटेम्प्ट नहीं आएगा May 20 वो अभी से पेंडर खरीदता है, वो मुझे ज्ञान देगा सर आपने अच्छा नहीं करियर के साथ खेला मेरे, अरे भाई अमेंडमेंट मेरे घर पे फैक्ट्री, मुझे क्या मालूम चलेगा कौन सा अमेंडमेंट फ्यूचर में आने वाला है, नहीं तुमने अमेंड, जब तक ICAI के बुक में RTP में नहीं आता हम जैसा कोई टीचर उसको कैसे समझे अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करना है, वो बोलते तुमने MC की वेबसाइट पे रोज देखना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, कई बार तो ऐसा हो जाता है MC की वेबसाइट पे आया पर ICAI बोलते अभी इस अटेम्प्ट के लिए यूजफुल नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ा दूं आपको, मैं तो वही पढ़ाऊंगा ना, और RTP कब आती मालूम है, एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले, तो इसका खुलासा कैसे होता है, RTP में होता है, फिर RTP आती है, फिर मैं वापस RTP पढ़ता हूँ, फिर मैं उसको YouTube पे डालता हूँ, तुम्हारा अटेम्प्ट कब आने वाला, अभी नवंबर वाले, अब इसके अलावा जो और अमेंडमेंट आने वाले हैं
उसका खुलासा आईसीए करेगा अगस्त में, सितंबर में, अगस्त सितंबर में, फिर मैं पढ़ूंगा, फिर अपलोड करूंगा, जनहित में जारी करूंगा। फिर उसमें थोड़ा सा लेट हो गया, क्या आप पैसे ले ले रहे, अमेंडमेंट नहीं डालते। अरे भाई रुक मेरे भाई, अमेंडमेंट को पढ़ना पड़ता है। वो क्या ऐसा कर कैसे समझा दे मुझे बताओ, अगर कोई चीज़ मुझे पढ़ाना है तो उसको एक तो पूरी नहीं रहती है, एकदम से पढ़ के ऐसा देखो, जो चीज़ें इंसान 8-10 बार पढ़ाता ना उसके ऊपर कमांड आ जाती है, तो अपन उसमें घुस के पढ़ा सकते, बजा बजा के पढ़ा सकते। अब कोई चीज़ आती है ना उसके ऊपर कोई एक तो ना केस स्टडी होती है ना कुछ, उसका किसको अमेंडमेंट होते ना किसी सीएस। मेरे बहुत सारे लोगों से जो सीएस मैंने उनकी पहचान करके रखी है, जो मुझे मुसीबत में मेरे काम में आते, भाई ये क्या कर रहा था, प्रैक्टिस में कैसे करता है। अब ये ऐसी चीज़ होती है ना, अच्छा बोलता ऐसा अमेंडमेंट आया क्या, वो मुझे बोलता अरे साला छिछोरे तू सीएस है क्या, मैं सीएस हूँ। अरे इतना अमेंडमेंट का जितना जितना जो ये है ना ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो सीएम है ना, जो सीएस का प्रैक्टिस कर रहा है उसको भी मालूम। अच्छा बोलता ऐसा अमेंडमेंट आया गया, अभी छिछोरे तुझे पूछने के लिए लगा, बताने के लिए नहीं लगाया मैंने, बिकॉज दे सी इतना प्रैक्टिस में कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आदमी अमेंडमेंट पढ़ लेता है। अब आपको क्यों पढ़ना, मेरे को क्यों पढ़ाना जरूरी है। अब उसके ऊपर कैसा मतलब बच्चों के साथ, मैं आपको बच्चों की मेंटेलिटी बताऊं, 99% पोर्शन सेम रहता, 98, 2% अमेंडमेंट रहता उसका। वो उससे खुश नहीं कि 98 हुआ है, वो उससे नाराज है कि 2% का क्या होगा। मतलब उसका सारा ध्यान, वो क्लास लाते हमें यही पूछता, सर अमेंडमेंट का क्या होगा। अरे भाई ये तो पढ़, ये तो पढ़ ले ध्यान से, हर आइटम में अमेंडमेंट आएगा, मैं इज्जत से अपलोड करने ही वाला हूँ, थोड़ा बहुत 2-4-8 दिन हो तो संभाल लेना, गाली मत देना, लगे लूट लिया आपने, प्रिपरेशन नहीं हो रहा। अरे इतना वाहियात वाहियात बोलते रहा, कभी कभी ऐसा मोबाइल स्विच ऑफ करके मैं रिप्लाई भी नहीं करता उसको, उसे अजीब लगता बहुत, क्योंकि उनको क्या लगता है पढ़ाने में क्या जा रहा है। अरे वो पढ़ाना नहीं है, उसको पढ़ना है। आईसीए का तुम आरटीपी देखो, इतना वाहियात होता है ना उसमें, क्या फॉन्ट और क्या यूज़ करते हैं, आदमी को पहले तो समझने लगता है क्या लिख रहा है। वो क्या बोलता है, वो जो उधर जो जो लिखा था ना उसमें अभी एंड वर्ड लगा दो, पूरा अमेंडमेंट नहीं देखा वो जो था ना उसकी लाइन कट करो उसमें ये घुसेड़ दो, मतलब मेरे को उधर जाना है उसमें से हटाना है उसमें ये बोलते जहाँ पे ये था ना वो। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, पूरा फ्रेश लिख दिया आईसीए कि भाई आजकल में वो सेक्शन हटा दो ये लिखो, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो जहां पेमेंट था ना उसको रीपेमेंट लिख दो, वो एंड था ना उसको और, अरे भाई तो पूरा सेक्शन देना, घुस घुस के मारेगा ऐसे। फिर उसके पहले अमेंडमेंट के नोट्स निकालो, फिर डालो, फिर पढ़ो, बहुत तकलीफ होती है। तो इसे लगता कभी अभी क्या लॉ पढ़ रहा, एक तो सही सब्जेक्ट है ना EIS, IT, SM, FM, सारा कोई अमेंडमेंट ही नहीं। मतलब एक लॉ पढ़ाना 3 सब्जेक्ट के बराबर है, जिंदगी में 3 टीचर बर्बाद हो जाते, DT, GST, लॉ, इनकी इनकी जिंदगी बर्बाद है, दर्द ही दर्द है, नोच नोच के खाते हैं ऐसे, हर इसमें नया सर्कुलर, नया अमेंडमेंट, अरे जिंदगी तबाह है यार। मेरे को अभी तक स्टेबल नहीं हुआ, मैं नाइन्थ अटेम्प्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी तक ऐसा लग रहा नहीं, अभी मैंने एकदम नहीं कि अब बुक्स बनाना ही पड़ेंगे, नहीं ऐसा हो ही नहीं रहा। साला EIS की बुक बना दिया ना, टेंशन नहीं है जिंदगी में, साला कोई अमेंडमेंट नहीं, कुछ नहीं, मस्त जीवन चालू है। एक आधी बैच में रिकॉर्डिंग नहीं करा तो कोई टेंशन नहीं, पिछला भी लोग देख लेते साला इसमें नहीं सर ये पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, अरे भाई थोड़ा ही चेंज है उसमें भी, अगर मान लो मैंने पुरानी रिकॉर्डिंग दी ना, सेपरेटली 2 लेक्चर रिकॉर्ड किया ना, ऐसा नहीं चाहिए, जहाँ जहाँ पे आ रहा ना वहाँ वहाँ पढ़ाओ, ऐसा अलग से कैसे देंगे आप, सेपरेट अमेंडमेंट के लेक्चर नहीं चाहिए, समझो पुरानी बैच प्लस अमेंडमेंट के 2 लेक्चर, ऐसा नहीं, वो जहाँ आ रहा ना उसको वहाँ पढ़ाओ, ऐसा कैसे अलग देंगे। और फिर पैसे क्या के ले रहे आप, सारी बात सारा पैसे में आ जाती, पैसे कैसे ले रहे, क्या करे यार, सच में मतलब ऐसा हो गया ना आजकल, खौफ है मेरे जिंदगी में इसका, मुझे किसी की भी सपने नहीं आते सिर्फ लॉ के आते। FM, EIS, SM इतना जोरों का है ना सारा, टेंशन नहीं, मतलब जो पढ़ाया ना वो हर बैच में अपन उसको यूज़ भी कर सकते हैं, नया नया कंटेंट, इसमें कुछ अलग ही है वो टेंशन। उसमें भी अगर मान लो लिटरल और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में अगर लफड़ा हो गया, बच्चा बोलता है इंग्लिश में तो इसका मतलब ये होता, उसको कभी अभी ये भी डाउट रहता कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, तो उसको कैसे समझाओ कि मैं किन किताबों से पढ़ के पढ़ा रहा हूँ या कौन से CS है। अगर बहुत ही अगर ऐसा हुआ ना मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो मैं डॉक्टर चंदात्रे की अपॉइंटमेंट लेता हूँ,
उनका एक मीटिंग का फीस 20,000 है, वो देता हूँ उनसे मिलता हूँ आधा घंटा, वो चंदात्री यहीं के पूना के, आधे घंटे का ऐसा बात करते ना वो तो 20,000 रुपये आधे घंटे का फीस है उनका। अभी समझो किसको नहीं आ रहा तो किसको आएगा, वो अल्टीमेट है, मतलब उसके आगे तो कोई नहीं आएगा, उसको नहीं आ रहा तो फिर तो किस किस को नहीं आएगा, मतलब वो भगवान है सीएस का, ठीक है ना। इंडिया में अगर उसको नहीं आ रहा तो फिर तो मतलब किसको नहीं आएगा, मतलब अल्टीमेटली अगर ये एक्सट्रीम तक जाके पढ़ना पड़ता है। अगर मैं कभी यहाँ पे क्लास में कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो मतलब मेरे पास में वो कॉन्फिडेंस, वो अथॉरिटी मुझे होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ वो सच है, तो उसके लिए तो मुझे भी पढ़ना। अगर कोई चीज़ें बहुत प्लेन इंग्लिश होती है समझ जाती, पर समझो कभी मैंने घुस घुस के कभी कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, कुछ शब्द अलग कह रहे, चार लाइन अलग हो रही, दो लाइन अलग हो रही, तो इसका हारमोनियस कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो कोई तो चाहिए ना जो समझाए कि भैया नहीं यार नहीं ये मुझे लगता है, एक और एक सारा चाहिए, नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ कोई और बोले ना हाँ तू सही सोच रहा है, तो आदमी को यहाँ कॉन्फिडेंस आता है, नहीं मैं बराबर बोल रहा हूँ। पर समझो मैं अकेले बोल रहा हूँ तो कभी कभी डर रहता है कि गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी ऐसा लगता है, नॉट ऑलवेज। तो उन केसेस में वहां तक जाके पढ़ना पड़ता है, तो ऐसा अमेंडमेंट में होता है, बहुत बेकार है, क्या करें, कोई बात नहीं, दर्द है बस सीने में और कुछ नहीं था। आप कहते हैं देखो दर्द अपने वालों के साथ में ही बांटता है आदमी, ठीक है ठीक है ओके। सो गाइस वी आर मूविंग हियर, अब देखते हैं ये ईआर के ड्यूटीज क्या है 6.24 पे, रेम्यूनरेशन बाद में देखेंगे क्या काम करता है ईआर। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज है। राइट टू पार्टिसिपेट एंड वोट, जाहिर सी बात है अपन क्यों कर रहे हैं उसको, तो क्या कर रहे हैं। द ऑथराइज्ड ईआर जो 6 और 6A में आया है और 24(5) में आया है, शैल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट एंड वोट, दोनों भी कर सकता है, बैठेगा भी और वोट भी करेगा। इन द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स ऑन बिहाफ ऑफ व्हाटकॉन एफसी ही रिप्रेजेंट्स इन द अकॉर्डेंस विद द प्रायर वोटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ, क्या बोला क्या बोला, मीटिंग आने से पहले सबसे फोन ला के ईमेल पे पूछ लेंगा वो, भाई तुम्हारा क्या, तुम्हारा वोटिंग बता दो, मैं तुम्हारा वो हिसाब से वोटिंग करूंगा, मेरे खुद के मन से मैं वोटिंग नहीं करता। नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ एआर, क्या ड्यूटी है उसकी, टू सर्कुलेट एजेंडा एंड मिनट्स टू एफसी, समझा क्या, मतलब बोलेंगे आज की मीटिंग में डिस्कस होने वाला है और मीटिंग होने के बाद बोलेंगे आज ये डिस्कस हुआ है, क्या होने वाला है और मीटिंग हो जाएगी तो क्या बोलेगा, क्या हुआ है, मिनट्स मतलब क्या हुआ है। इट्स आर द ड्यूटी ऑफ एआर टू सर्कुलेट एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, बिल्कुल सही। एआर टू एक्ट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ, ये समझा क्या, उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना नहीं, उसने वही करना जो, ज्यादा होशियारी नहीं करने, वो बोल रहा वैसे करने का, कौन बोल रहा, हाँ क्योंकि वो अपने उसकी खुद की लड़ाई नहीं, वो तो सिर्फ एक उनको टाइम नहीं इसलिए उसको बिठाए यहां पे बस। द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव शैल नॉट एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, ही रिप्रेजेंट्स एंड शैल ऑलवेज एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, समझा क्या, उसने हमेशा वैसे काम करना चाहिए जैसे वो चाहता है, कौन चाहता है, एफसी चाहता है। Provided that if the authorized representative represents several financial, अगर बहुत सारे FC को represent कर रहा है अकेला ही, then he shall cast his vote in respect of each FC in accordance with the instruction received from each FC to the extent of, समझा क्या, क्या क्या समझा, क्या समझा, मैं अकेला बंदा हूँ, तीन बैंक को represent कर रहा हूँ, तो मैंने तीन वोट करना चाहिए, और उसका वेटेज कैसा हुआ, उनके उनके डेट के हिसाब से। मान लो दो लोग हाँ बोल रहे हैं और एक ना बोल, मैंने बोलना चाहिए दो हाँ बोल रहे हैं एक ना बोल रहे, पर दो हा और दो ना का वेटेज किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, समझ गया ना, इसका मतलब तुमको समझ रहा है ना, ये बार बार वही बोल रहा है, ये बात कितने बार बोल चुका है, वही बात समझो, ये HDFC है, ये ICICI बैंक है और ये देना बैंक है, इनका 30% है, इनका 40 है और इनका 30 है, ये बोल रहा है नो, ये बोल रहा है यस, ये बोल रहा है यस, तो कितने यस हो गए, और ये तो इन्होंने तीनों ने एक्स को बोला है कि तू हमारे जाके वोटिंग कर, तो जब ये वोट करेगा इसका मतलब क्या होगा, ये वोट करेगा, एक वोटिंग जब गिरेगी तो क्या बोलेगा, ये मेरा 70% हा वाला एक वोट और 30% ना वाला एक, बराबर है ना, ये समझ के लो, वो बार बार वही बोलता है, कंफ्यूज मत होना। ओके, provided further that if any financial creditor does not give prior instruction through physical or electronic means, the AR shall abstain, समझता क्या? अगर मानो उन्होंने कुछ instruction दिए ही नहीं, तो उस meeting में वो vote करेंगे ही नहीं, abstain मतलब रोक देना, नहीं करेगा, फिर वो बोलेगा मेरे को instruction मिली नहीं, unnecessary मैं क्या को vote करूँ। Next, to ensure recording of instruction by IRP,
द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव शल फाइल विद द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स, COC को देना चाहिए, एनी इंस्ट्रक्शन रिसीव बाई वे ऑफ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल क्रिएटर ही रिप्रेजेंट्स फॉर वोटिंग इन अकॉर्डेंस विद, अरे कुछ नहीं वो बोल रहा, जो ये बोल रहा ना, ये बोला ना अभी कि मैं 70% वोटिंग करूंगा, है ना, ये जब जाएगा तो वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे उसको कि तू क्या बोल रहा है 70% येस है और 30% नो है, तो ये वोटिंग कहाँ पे कर रहा है, COC में जाके, तो COC में मालिक अभी कौन है, फिर IRP मैनेज कर, तो IRP ने क्या बोलना चाहिए भाई, तो ये कैसे बोल रहा तेरा 70 है 30 है, कुछ है क्या बता, ICICI ने कहाँ लिख के दिया येस, कहाँ पे बता, HDFC ने येस बोला है, और कहाँ पे देना ने नो बोला है, उसका कुछ तो एक ईमेल या कुछ आया होगा, तो वो ईमेल वहां के हार्ड कॉपी निकाल के या पेन ड्राइव में लेके आपको IRP को देना पड़ेगा, देख भाई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला, मैं सिर्फ कन्वे कर रहा हूँ, और उन्होंने बोला तुमको यकीन नहीं है तो ये रहा उनका ईमेल आपके पास में, ठीक है, एकदम लॉजिकल है, इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं। आगे, अपॉइंटमेंट एंड द फंक्शन ऑफ RP अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ द कोड, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मे इन द फर्स्ट मीटिंग बाय मेजोरिटी वोट नॉट लेस देन, कितना लिखा है, इस सारे वोटिंग राइट्स में आपको एक साथ लिखवा के दूंगा, क्या बोल रहा है, क्या 66 क्या लिखा है, ईदर रिजॉल्व टू अपॉइंट IRP एज RP और रिप्लेस, समझा क्या, एक तो इसी IRP को RP बना दो या फिर किसी नए को RP बोल के बुला लो, तो इसका कहां खुलासा हुआ, COC की फर्स्ट मीटिंग में दो बातें, एक तो IRP बन जाए, मैंने आपको इस पे भी बताया था ना, मेन टाइमलाइन पे भी बताया हुआ, एक तो ये IRP बन जाएगा या तो फिर नया RP, तो नया RP का क्या प्रोसीजर है, उसको बोलना पड़ेगा, NCLT को, NCLT IBBI को बोलेगा, वहां से 10 दिन में आएगा, पर एक बताओ ये 66% किसको चाहिए भाई, इसको रखना भी है, रखना है तो 66%, नहीं रख के बोलना दूसरा लाओ उसको भी 60%, मतलब 66% वोटिंग के डिसाइड करना पड़ेगा इसको रखना है कि नहीं रखना है, 66% किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वैल्यू ऑफ द डेट्स। आगे, फंक्शंस ऑफ RP, क्या काम करता है RP, क्या काम करता है RP, द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शुड कंडक्ट एंटायर कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड मैनेज ऑपरेशंस, एंटायर CRP मतलब क्या, 180 दिन तक अभी कंपनी का रखवाला यही है, एंड पूरा ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेटर मतलब वीडियो कॉल का पूरा मैनेज करेगा वो ड्यूरिंग CRP से, प्रोवाइडेड दैट द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शाल इफ द रिजोल्यूशन प्लान अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 30 हैज बीन सबमिटेड कंटिन्यू टू मैनेज द ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड अंटिल एन ऑर्डर इज पास्ड बाय AA। वो क्या बोल रहा है सुनो, ये अमेंडमेंट आया हुआ है, क्या बोल रहा है, इतने अमेंडमेंट आया ना जिंदगी में, इस बार क्या हुआ, दो चैप्टर में बहुत अमेंडमेंट आया, एक IBC और दो डायरेक्टर्स, और अपने दोनों भी पहले खत्म कर दी, डायरेक्टर्स में भरपूर अमेंडमेंट थे, IBC में बहुत ज्यादा थे, तो एक बार खत्म हो जाएंगे अमेंडमेंट वाला जो मेन इंपॉर्टेंट है। इधर देखो ना, ये क्या हुआ, अगर मैंने CRPC को सबमिट किया तो 180 दिन पर सबमिट किया मैंने, आई हैव सबमिटेड ऑन 180th डे, तो NCLT मे टेक 20-30-40 डेज मोर, समझो NCLT हैज टेकन 40 डेज मोर, टू से यस और नो, बिकॉज NCLT को सोचना पड़ेगा प्लान बराबर है कि नहीं, तो 40 दिन तक काम कौन करेगा, आपने क्या बोला था इसको, एक्ट के पहले क्या लिखा था कि ये CRP तक काम करेगा, मतलब प्लान को सबमिट तक काम करेगा, अब क्या होगा, ये क्या बोल रहा है, नहीं नहीं तू तब तक मत काम कर, तू और तब तक काम कर जब तक उनका रिप्लाई या अप्रूवल नहीं आता, वापस से बोलो एक बार, मान लो ये 180 दिन पे मैंने सबमिट किया, उनका रिप्लाई है 220 दिन पे, सवाल उठ रहा है 40 दिन कंपनी में काम कौन करेगा, तो ये बोल रहे तुझ करेगा, तू घर पे मत जा, बोले मेरा प्लान काम तो खत्म हो गया ना, प्लान तो दे दिया, मैं क्या करूँ, अरे संभाल, अभी वह डायरेक्टर नहीं है, वहाँ पे कोई है नहीं, कंपनी में कौन संभालेगा, ऐसे ही सेक्शन उन्होंने IRP के साथ भी किया था, IRP क्या बोला, जब तक RP नहीं आएगा तब तक तू काम, इसको क्या बोला, अगर ये कंपनी लिक्विडेट होती होंगी तो जब तक लिक्विडेटर नहीं आएगा तब तक तू यहीं रहेगा, समझो कंपनी का रिजेक्ट हो गया प्लान तो क्या होगा, लिक्विडेट होगा, तो लिक्विडेटर आएगा तो लिक्विडेटर आने तक तो ये रुकेंगे ना, ये ऐसा ना हो जाए ना लिक्विडेटर है ना RP है, अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, धोबी का कुत्ता हो गया, ना RP रहा ना लिक्विडेटर है ना डायरेक्टर, तो वैसे निकाल दिए,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी कोई ऐसे क्षण नहीं होना चाहिए कि कंपनी में कोई भी रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं है. देयर शुड बी समवन हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू नो ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. बोलो राइट. ये आया हुआ अमेंडमेंट है. कब तक बोल रहे हैं? अंटिल व्हाट? दुनिया में दो टाइप के ऑर्डर आएंगे. एक कौन सा? एक तो रिजोल्यूशन हो जाएगा, एक तो फिर चाहे रिजोल्यूशन का आए तो कंपनी वैसे चालू हो जाएगी, लिक्विडेशन का तो लिक्विडेटर आ जाएगा. द आरपी शाल एक्सरसाइज पावर्स एंड परफॉर्म ड्यूटीज. आरपी ने 180 दिन में क्या करना चाहिए? वो सारी पावर्स एंड ड्यूटीज एज वेस्टेड और कन्फर्ड ऑन व्हाट. समझा क्या? आईआरपी की जो पावर्स थी वही इसकी पावर है. आप बताएंगे आईआरपी की पावर कौन से सेक्शन में थी? सेक्शन नंबर 17 में हमने देखी थी. नहीं देखी थी? देखो एक बार, देखो ना, पांच बातें थी ना. और डिड्स को एग्जीक्यूट करेगा, बोर्ड के हिसाब से काम करेगा, बुक्स को देख सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देख सकता है. 17 में था क्या? वो बोल रहे वही सारे पावर्स इसको भी है. तो ये लिख दो एज पर सेक्शन. इन केस ऑफ एनी अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल द आईआरपी शैल प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स. आईआरपी शैल प्रोवाइड. ये आईआरपी से क्यों ले रहा है सब? इसके पहले वही था तो आईआरपी से डिस्कस करेंगे ना वो कि भाई कैसा है क्या है, कुछ थोड़ा समझा दे ताकि मुझे काम करना है. पर्टेनिंग टू कॉर्पोरेट डेट, मतलब वीडियोकॉन के बारे में उसको कितनी समझ आई उससे पूछेगा. कौन पूछेगा? आरपी. किससे पूछेगा? और मान लो खुद ही आईआरपी आरपी बन गया तो उसकी बॉडी में जो है ना किससे पूछेगा? आरपी इज अ प्राइमरी फंक्शन इज टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट बोरोवर. मतलब कौन? वीडियोकॉन का पूरा मैनेजमेंट वो लेगा. एंड ऑपरेट इट्स अ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न. क्या सर? मतलब जब रेजोल्यूशन प्रोसेस चलता है तो क्या बिजनेस चलता है कि नहीं? हमने मोरेटोरियम में ये नहीं कहा कि बिजनेस नहीं चलता. हमने बोला ये फालतू की चीज़ें नहीं चलेंगी, नॉर्मल बेसिक काम चलता रहेगा. कौन सी चीज़ें नहीं होंगी मोरेटोरियम में? कोई भी आके सरफाइस में अपना असेट बेचेगा नहीं, अपना ओनर लेसोर जो है वो तकलीफ देगा नहीं, नए नए केसेस आएंगे नहीं, कोई भी असेट डिस्पोज नहीं होगा. ये काम पर कहीं ऐसा लिखा था कि मोरेटोरियम में तो मतलब बिजनेस बंद हो जाएगा? ऐसा मॉनिटर में लिखा कि आप बिजनेस नहीं कर सकते. बिजनेस कल भी वीडियोकॉन का आज चल रहा था, आज भी चल रहा है, आज भी टीवी बिकती है वीडियोकॉन की, आज भी डिश टीवी बिकती है. धंधा नहीं बंद हो रहा है. फिर आज धंधा कौन कर रहा है? वो नंदलाल धूत जो ओनर है उसका, जो वीडियोकॉन का ओनर है, वो हट जाता है, धंधा भी आईआरपी करता है, मतलब आरपी करेगा एज अ गोइंग कंसर्न अंडर द वर्ड बोर्ड डायरेक्शन. ऐसे क्यों बोल रहा है? बोर्ड डायरेक्शन, बोर्ड डायरेक्शन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. कंपनी का मालिक कौन है? अभी सीओसी है, तो सीओसी जैसे बोलेंगे वैसे कंपनी काम करते रहेगी आगे. द थ्रस्ट ऑफ द कोड इज टू अलाउ. अच्छा एक बताओ, उसको वीडियोकॉन के टीवी में कुछ डाउट आ रहा है तो वो कंपनी के एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछता था जो पहले, और उनको ऐसे पूछ नहीं सकते, उनकी ड्यूटी से उन्होंने बताना चाहिए. अब इसको बेचारे को क्या पता है वीडियोकॉन के बिजनेस में कैसे काम करते हैं, ये तो फ्रेशर है ना, तो इनकेस ही हैज सम डाउट ही कैन आस्क यू नो द वीडियोकॉन के अर्लियर डायरेक्टर्स. द थ्रस्ट ऑफ द कोड इज टू अलाउ शिफ्ट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम, क्या लिखा? डिफॉल्टिंग डेटर्स मैनेजमेंट. मतलब कौन? नंदलाल धूत के जो धूत ब्रदर्स है उनको हटाकर सारा काम अभी इन आरपी के हवाले कर दे. वेयर क्रेडिटर्स ड्राइव द बिजनेस ऑफ द डेटर विद. समझा क्या? अरे कौन बिजनेस काम करेगा? क्रेडिटर्स मतलब कौन? जो सारे बैंकर्स बिजनेस चलाएंगे विद रिजोल्यूशन, विद द वॉट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक्टिंग एज एन वॉट एजेंट. पूरी कहानी लिख के दी है यहाँ पे. बताओ बिजनेस किसका? डायरेक्टर का था वीडियोकॉन का. किसके हवाले हो गया? क्रेडिटर्स. और क्रेडिटर्स के बिहाफ में कौन काम कर रहा है? तो कैसा लिखेंगे? देखो ये कौन? ये कंपनी के डायरेक्टर्स. इन्होंने अपना काम किसको हवाले कर दिया? सीओसी. सीओसी के बिहाफ में कौन काम करता है? ऐसे हो रहा है ना, टू रन द बिजनेस. सर हम तो सेक्शन नंबर 27 तक पहुंच गए. यस 33 तक पहुंचना है. टेक्निकली कोई डाउट आता है क्या आपको अभी इस चैप्टर में? डाउट आ रहा है कुछ? वो आपको बोला था मैंने डे वन को जो हम लोग मास्टर चार्ट पढ़ेंगे उसके बाद में डाउट आना ही बंद हो जाएगा. डाउट आ ही नहीं सकता चैप्टर में.
आगे रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय कमिटी। अब बताओ क्या बोल रहा है रिप्लेसमेंट? अभी इनकी चाहिए आईआरपी, हमको नहीं चाहिए, हमको कोई, देखो एक तो ऑप्शन वन है, क्या है ऑप्शन वन? ऑप्शन वन आईआरपी बनेगा, ऑप्शन टू सही है, ऑप्शन एक है उसको ही रख लो, ये ऑप्शन नंबर टू है, इसको आईआरपी को चेंज कर दो, अपॉइंट समवन एल्स एज अ व्हाट आरपी। आगे जाओ, सेक्शन 27 प्रोवाइड्स अ मैनर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विथ अनदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय कमिटी ऑफ क्रिएटर्स। प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज एज फॉलोज। क्या क्या है उसकी प्रोसेस, क्या है? कमिटी, अब पढ़ रहे ना, पढ़ रहे ना हम लोग, पढ़ रहे सब साथ में, राइट? हाँ, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इज ऑफ द ओपिनियन, क्या ओपिनियन है? दैट आरपी इज अपॉइंटेड इज रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस, उनको लगता है रिप्लेस करना है, इट मे रिप्लेस हिम विथ अनदर आरपी, बराबर है, किसी और को बुलाया जाए, बाई मेजोरिटी। क्या मेजोरिटी? 66%। आपको लगता है अभी हमने देखा था, अरे ये ऑलरेडी उधर ही कवर होता ना, उधर भी वही बोल रहा था कि 66 से आप एक काम कर सकते तो इसको रख सकते। अच्छा, अगर उसको भी रखना तो 66 पास करना पड़ेगा। सर ये एक बात है, हाँ या नहीं, उसको रखना है कि नहीं रखना है अपने आप में एक रिजोल्यूशन है, भले ही आपको उसको रखना है फिर भी तो 66 पास करना पड़ेगा ना, और निकालना है तो ऑब्वियसली उसको 66 नहीं पास होता, अल्टीमेटली निकालना ही है। चलो मान लो 66% उसके फेवर में नहीं आया तो अल्टीमेटली निकल ही जाएगा ना फिर तो। आप लोग सब बैठे हो सीओसी में, मैं बोल रहा हूँ इसको रखना है क्या, तो 66% लोगों ने हाँ नहीं बोला, तो मैं क्या समझ जाऊँगा, इसको निकालना, खत्म हो गया। और रही बात दूसरे को लाने की, वो तो अपने हाथ में है ही नहीं, फिर तो हमें एनसीएलटी बजाना है, अब सर दूसरा कैसे आएगा? आपको तो करना ही नहीं ना, दूसरा कौन आएगा क्या आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, अब वो तो उनके हाथ में, किसके हाथ में? तो एनसीएलटी किसको बोलेंगे? हाँ ऐसे 60 of the voting shares resolve to replace the resolution professional appointed under section 22 with another resolution professional subject to written consent of the proposed resolution professional in the specified form. क्या बोल रहा है ये? Resolve to replace. अब इसमें क्या होगा, मतलब replace का मतलब क्या है कि भले ही appointment कौन करेगा, उसकी appointment NCLT करेगा IBBS, पर हम अगर हमारे पास कोई चॉइस है तो हम सिर्फ बोल सकते हैं ये बंदा हमें चाहिए ये बंदा चाहिए, पर ये इसका ये से हम लोग सुझाव कर रहे हैं कि इसको भेज सकते क्या, नहीं समझे? भाई हमको हमारे पास एक था एक हमको पसंद नहीं है, हमें लग रहा है वाई अच्छा है तो वाई का नाम हम सुझा सकते हैं इसी दम पर वाई ने हमें बोलना चाहिए कि मैं आपके साथ में काम करने को रेडी हूँ। पर आप ये गलत फहमी मत रहना कि वाई का अपॉइंटमेंट हमने किया है, हम सिर्फ उसका नाम सुझा सकते हैं, नाम सुझाना सुझाव करना ये अलग बात है, अपॉइंटमेंट आज भी एनसीएलटी करेगा। ओके, द फॉरवर्डिंग ऑफ द नेम। अच्छा, एक कंसेंट किसका लेना है, एक्स का क्या वाई का? एक्स क्या हो गया, निकल गया, वाई का नाम सुझाने से पहले वाई से बोलोगे भाई कि तेरी हम तेरा नाम वहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि तेरी इच्छा है कि हमारे साथ काम करने की। ऐसे कमिटी ऑफ क्रिएटर शैल फॉरवर्ड द नेम ऑफ, ठीक है, फॉरवर्ड कर देगा उसका नाम, फर्दर फॉरवर्डिंग द नेम टू बोर्ड, समझा? द AA शैल फॉरवर्ड द नेम ऑफ प्रपोज्ड रिजोल्यूशन। प्रपोज क्यों बोल रहे हैं, मतलब इनका नाम सुझाना मतलब अपॉइंट नहीं होता है, प्रपोज मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, प्रपोज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू द बोर्ड। बोर्ड मतलब कौन? IBBI। आप कहिए मत समझना नहीं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड मतलब इस चैप्टर में बोर्ड कौन सा था मालूम क्या? IBBI बोर्ड, इंसॉल्वेंसी बोर्ड, फॉर इट्स कंफर्मेशन। कंफर्मेशन किससे लेंगे? IBBI से। एंड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल बी अपॉइंटेड इन द सेम मैनर, ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफिस वेयर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल।
द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड शैल कंटिन्यू टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर दिस सेक्शन. मतलब क्या बोल रहे हैं? वेयर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन इज पेंडिंग अगेंस्ट, किसका बोल रहे हैं? जो मिस्टर वाई है जिसका नाम हमने सुझाया उसके अगेंस्ट में कुछ केस चल रही है. द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड शाल कंटिन्यू टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ. मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं. मतलब कौन काम करेगा तब तक? देखो एक्स हमारे पास पहले से था, हम बोले कि एक्स नहीं काम करेगा, वाई काम करेगा. वाई का नाम सुझाया पर उसके नाम पर बहुत सारा गंदा गंदा नाम निकला, तो एक तब तक और काम करेगा जब तक जेड ना आ जाए. समझा क्या? वाई तो कोई हालत में अपॉइंट ही नहीं होगा. अब ये मत समझना वाई काम करेगा जेड आने तक, ऐसा नहीं बोल रहे हो. एक्स काम करते रहेगा जेड आने तक. समझा? वापस से. एक्स कौन था? आईआरपी. आईआरपी था वो, पर हमारी इच्छा है कि उसको नहीं करेंगे आरपी. फिर क्या नाम सुझाया? वाई. वाई के नाम पर राड़ा निकला, तो वाई तो अब आने ही वाला नहीं, वाई पिक्चर के बाहर है. फिर एक्स तब तक काम करेगा जब तक जेड ना आ जाए. ओके नेक्स्ट. सेक्शन 28. अप्रूवल ऑफ अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर द सर्टेन एक्शंस ऑफ आरपी ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन. एक चीज होती है ना, औकात नाम की भी कोई चीज होती है. औकात नाम की भी कोई चीज होती है. तो ये बोल रहे हैं कि तुम, हमने अगर तुम्हें कुछ आरपी बना दिया, इसका मतलब नहीं कि तुम बहुत शहनशाह हो गए, तुम बाहुबली हो गए, शक्तिमान हो गए. कुछ चीज़ें हैं आज भी आपको करना है ना, तो तुम्हें कमिटी ऑफ क्रिएटर्स का अप्रूवल लेने के बाद ही तुम कर सकते हो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दिस एक्टिविटीज़. सोचो ना, आरपी आ गया, उसने कंपनी के सारे एसेट बेच दिए. आरपी आ रहा, सारे शेयर और शेयर्स बेच दिए. कुछ एक चीज़ होती है ना जो काम करने लिए. देखो आरपी जस्ट एन एजेंट. कंपनी के ओनर कौन थे? शेयर होल्डर्स. अब ओनर कौन हो गए? सीओसी हो गए. अपॉइंट किसको किए? आरपी खुद को ही मालिक समझने लगा. ऐसा नहीं होगा. आरपी का एक औकात है, आरपी कैन नॉट वर्क बियॉन्ड द लेवल. आरपी को बोला ये सब निम्नलिखित काम करने के लिए तुम्हें आज भी सीओसी की परमिशन लेना जरूरी है. हाँ, कुछ छोटा छोटा काम होगा, ऐसा करना है, मान लो पानी मंगवाना है ऑफिस में, वो मंगा लेंगे. For every miscellaneous job is not required to take permission of COC. But there are some tasks where, you know, the major stake is involved, the major decisions of the company, where he has to take the permission of COC. क्या लिखा है? Number one, to raise and what interim finance in excess of the amount as decided by committee. Committee ने बोला होगा 50 लाख तक तो मंगवा लेना. वो 50 लाख से ऊपर जाएगा तो वापस को COC से पूछना पड़ेगा. So ये सारे काम पढ़ना है कि हाँ पढ़ना है. ये जितने भी काम है ना, इतना सब में एक ही कॉमन नेचर है, ये छोटे काम नहीं है. छोटे काम होते तो COC से पूछने की बात ही नहीं होती. काम बड़े हैं इसलिए किससे पूछना है? सीओसी से पूछना है बस. नंबर टू, क्रिएट एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट. सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है गिरवी, गिरवी रखना, प्लेज पे देना. मतलब इसको अधिकार नहीं कि कंपनी के जितने एग्जिस्टिंग असेट्स है उसको गिरवी रख के लोन लाए. गिरवी रखना है, कुछ करना है. गिरवी समझता है? प्लेज, मॉर्गेज. चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर. वाह, डेट इक्विटी का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है. हौला आदमी है, डिबेंचर इशू कर दिया है. आईपीओ लेकर आ रहा है आरपी. अरे कंपनी खोखली हो रही है, आईपीओ ला रहा है. डेट कैपिटल स्ट्रक्चर समझता है? डेट इक्विटी की कॉम्बिनेशन को कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं. चलो बायबैक कर सकता है क्यों? अरे बायबैक भी कर तो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा ना. तो कुछ नहीं कर सकता वैसे, ज्यादा होशियारी नहीं करने का उसने. कुछ कुछ जो लोग है ना, कभी कभी कुछ लोगों को देखा है मैंने, भले वो एम्प्लॉय रहते पर खुद को मालिक ही समझते. कभी कभी सी ए फर्म में कहता आर्टिकल थोड़ा सा इज्जत मिलता है ना, वो अपने आप को लगता है बॉस ही जो मैं, और बाकी जूनियर्स का साथ ट्रीट करता है. वो बॉस नहीं बोलता पर वो बोलेगा, क्यों रे तू लेट कैसे है भाई, तू झंडू आम तू कौन है भाई साला. बॉस मेरे को कुछ बोलता नहीं, तू होशियारी मार रहा है. मेरे ऑफिस में था एक ऐसा सीनियर है ना, और खुद को क्या है उसको लगता है अपना ही सब पूरा, और उसका ऐसा मेरा तुम्हारा एक्सपीरियंस दूंगा इसके ऊपर है ना. तुम्हारे ऑफिस में ऐसा कोई बहुत है ना बेटा, ऐसे आपका किस्सा ही अलग है बेटा. रिकॉर्ड एनी चेंज इन द ओनरशिप. मतलब आरपी ने अपने आप को ओनर नहीं समझना चाहिए, वो केवल एक एजेंट है. क्या कर रहा है? देखो ओनरशिप चेंज कर रहा है वो. रिकॉर्ड एनी चेंज इन द ओनरशिप इंटरेस्ट.
मतलब क्या ओनरशिप डे समझता है, स्टेक बेच दिया 20%। अरे इसके शेयर होल्डिंग चेंज, शेयर होल्डिंग का पैटर्न चेंज करेंगे आप, नहीं समझे? मान लो शेयर होल्डिंग का पैटर्न चेंज कर रहे हो, स्टेक बेच दे रहे कंपनी का, ऐसे नहीं होगा ना। या फिर नया आईपीओ लेके आ रहा है, ओनरशिप चेंज कर रहा है। गिव इंस्ट्रक्शन टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ सीडी फॉर अ डेबिट ट्रांजैक्शन फ्रॉम एनी सच अकाउंट इन एक्सेस ऑफ अमाउंट एज डिसाइडेड बाय, समझा क्या? मतलब बैंक ने बोला होगा ये हमारी जो सीसी है वो 1 करोड़ तक की चलने देना। सीसी समझता है? 1 करोड़ तक के पैसे बैंक इस कंपनी देते रहेगी। सीसी मतलब ओडी सीसी, समझता है ना आपको? अब बोर्ड ने बोला है, मतलब ये जो इन्होंने बोला है, किसने बोला है? सीओसी ने बोला था कि 1 करोड़ तक का तुम ले सकते हो। ये क्या बोल रहा? नहीं, एक्सटेंड दिस लिमिट अप टू 3 करोड़, इसका ये औकात नहीं है। इसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उतने ही पैसे लेना चाहिए जितने का जो अपर लिमिट है, जो किसने डिसाइड किया? सीओसी ने। अर्थात कहने का मतलब क्या है, आरपी वैसे कौन है? आरपी एक सीए सीएस कोई तो बंदा है जो सिर्फ होशियार है और उसको यहाँ पे लाया, तो उसने अपनी औकात में रहना चाहिए। मतलब नेक्स्ट अंडरटेक एनी, क्या बोल रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। आरपीटी करना तो किसका, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस? मतलब उसने कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, अब रिलेटेड पार्टी क्या होता है उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, मैं बताऊंगा। अमेंड एनी व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, मतलब एमओए। देखो अवला एमओए कमेंट कर दे रहा, बोले उसके लिए, बोले वो क्या बोला, अमेंडमेंट एओए में करने के लिए एसआर लगता, शेयर होल्डर तो है नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही कर लूँ। नहीं समझा? वो क्या हो रहा है, बार बार अपनी औकात भूल रहा है। डेलीगेट ऑथोरिटी, अच्छा वो कभी नहीं आया तो उसने किसी और को डेलीगेट नहीं करना चाहिए। डिस्पोज ऑफ व्हाट, परमिट द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ एनी शेयर होल्डर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स। वाह, मान लो नंदलाल दूध का जो दूध ब्रदर्स जो है उनका 30% स्टेक था, उसने खड़े खड़े बेच दिया, बोले तुम क्या काम कर रहे हो, बोले वैसे बोले उनको पूछा कि, बोले पूछने क्या जरूरत है, मैं ही मालिक। ऐसा नहीं होगा ना, जिसके शेयर उसको पूछना पड़ेगा। कुछ भी कर रहा है वो हौला हो गया। मेक एनी चेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ सीडी और इट्स सब्सिडरीज। क्या मैनेजमेंट, सीईओ को निकाल दे रहा। हमने ये नहीं बोला कि तुम सीईओ को निकालो, ये क्वेश्चन कर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चले जाएंगे, जो कंपनी का सीईओ जो मैनेजमेंट है, लेयर वन लेयर टू कंपनी का। तो वीडियो कॉन के बारे में झंडू बाबू तुझे कुछ पता नहीं, तो सीईओ को निकाल दे रहा है, तो लेवल वन टू फाइनेंस मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर सबको निकाल दिया उसने, बोले सब आज के दिन मैं मैनेज करूंगा। ऐसे नहीं होगा ना, ये औकात भूल रहा है अपनी। ट्रांसफर राइट्स ऑफ फाइनेंशियल डेट और ऑपरेशनल डेट्स अंडर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज देन इन ऑर्डिनरी, क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल डेट ऑपरेशनल डेट्स। अरे ट्रांसफर राइट्स ऑफ करना उसको, ऑफ किसका बोल रहे हैं, फाइनेंशियल डेट ऑपरेशनल, मतलब क्या ट्रांसफर राइट समझाने में। अरे किसी बैंक का राइट किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, एसबीआई का राइट्स वो दे रहा है देना बैंक को, ऐसा नहीं होगा ना। एसबीआई का राइट हो तो एसबीआई का राइट रहेगा, समझो वीडियो को उनको एसबीआई के पैसे देना है तो किसको देना है, तो वो बोल रहे नहीं अब आज के दिन एसबीआई के पैसे जो है ना वो देना बैंक लेंगे, ऐसे कैसे राइट ट्रांसफर कर रहा है। मतलब कुछ भी कर रहा है ये, ऐसा कुछ भी कर रहा है ना उसको, तो उसने नहीं करना चाहिए, सीओसी से पूछना चाहिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ सही है क्या। हम ये नहीं बोल रहे मत करो, हो सकता है जेन्यून कुछ करना होगा, हो सकता है एमओए एमओए जेन्यून कुछ चेंजेस लाना है, हो सकता है ना जेन्यून भी होगा, पर चाहे वो कितना लाख जेन्यून हो उसको सीओसी को पूछना है, ये उसकी औकात बता रहा है। मेक चेंजेस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सच पर्सनल एज स्पेसिफाइड बाय द, ठीक है ना, जो पर्सनल उनके कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर रहा है, सैलरी बढ़ा दे रहा है, हो सकता है सीओ उसका सैलरी उसका दोस्त था, बोले तू भी देरी से, बोले मैं भी देरी से, बोले रुक जा मैं तब करता, तो उसका सैलरी बढ़ा दिया 4 times, तो उसने वही करना चाहिए जो अलाउड है। आगे मेक चेंजेस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट, क्या लिख रहा है, ऑडिटर को चेंज कर दिया, उसके दोस्त को ऑडिटर बना दिया, पहले ऑडिटर को लात मार दी। ये सारे बदलाव लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रिएटर्स, ये सारे काम करने के लिए इसको सीओसी का परमिशन चाहिए। द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कन्वीन व्हाट, क्या करना चाहिए, कन्वीन करना था क्या, बुलाना बुलाना ऑर्गेनाइज करना। द सीओसी एंड सिक द व्हाट वोट फॉर द क्रिएटर प्रायर टेकिंग व्हाट, समझा क्या, एनी ऑफ द अबव एक्शंस, तो ऊपर वाले कोई भी एक्शन लेने से पहले उसने क्या करना चाहिए, प्रायर लिखा है प्रायर, सबसिक्वेंट अप्रूवल नहीं है,
काम होने का नहीं मत बोल, बोले मैंने ऑडिटर को निकाल दिया, आपसे पूछा नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑडिटर को निकालने से पहले पूछना है, नो एक्शन शैल बी अप्रूव्ड बाय सीओसी, कितना परसेंट दिख रहा है, पहले 75 था अब कितना हो गया, वेर एनी एक्शन इज टेकन बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विदाउट सीकिंग अप्रूवल, उसको वॉइडेबल नहीं, डायरेक्ट वॉइड ही बोल दिया उसने, ऐसा कुछ भी काम किया तो वॉइड, डायरेक्ट वॉइड। रिपोर्ट द एक्शन ऑफ आरपी टू द बोर्ड, द कमिटी ऑफ द क्रिएटर्स मे रिपोर्ट एक्शन ऑफ द आरपी टू द बोर्ड फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट, ये बोर्ड कौन, आईबीबी है, काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है आरपी, बोलेगा किसको, सीओसी किसको बोलेगा, आईबीबी को क्यों मालूम करना है, इतना जवाब दे दो मुझे, वाई आईबीबी शुड नो कौन से कंपनी का आईआरपी में, कौन से कंपनी का आरपी में क्या चल रहा है या सीआरपी में क्या चल रहा है। अरे आज मीडिया है, आज गवर्नमेंट है, आज कोई बैंक है, फाइनेंस है, वो किसको बोलेंगे भाई, वो तुम्हारे वीडियो कॉन का जो है वो क्या हुआ उसमें, तो बीजेपी गवर्नमेंट पूछेगी ना आईबीबी को, तुम इतने कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। सी आईबीबी इज आंसरेबल, क्योंकि आईबीबी का भेजा हुआ बंदा आरपी, तो ये पूरे देश में जितने अभी देश में कितने हजारों केसेस चल रही है आईआरपी की, सीआरपी की, उसमें कहां पे क्या चल रहा है इसकी खबर आईबीबीआई को होना जरूरी है, बिकॉज वो देश को आंसरेबल है। कल जगह फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे भाई इधर इधर बैठो, जरा आईबीबीआई के बोर्ड का कौन है अध्यक्ष, इधर क्या चल रहा है, कौन सी केसेस चल रही, तो उसको बोलना पड़ेगा ना कैसे क्या आया सीआरपी चालू करने के लिए, थोड़ी ना, ही शुड नो द स्टेटस क्या चल रहा है देश में, बिकॉज हमने वैसे तो ये जो पूरा एक्ट लाया ना बैंक को मजबूत करने के लिए लाया, देश की इकोनॉमी आए, तो देश के लोग मोदी जी बार बार जेटली जी बोलेंगे, जेटली जी उसको बजाएंगा किसको, कि तुम केसेस खत्म नहीं कर रहे, 5 साल और खत्म हो जाएंगे, तो ये सब है। वो जितना अच्छा होगा, फास्ट हो जाएगा, उतनी बैंक शक्तिमान बनेंगी और भारत में रोजगार आएगा, भारत में बैंक्स मजबूत होंगी तो रोजगार तो मिलेगा, स्टार्टअप चलेंगे, एक नया देश बनेगा, मोदी जी और जीत के आएंगे। पर ये नहीं हुआ तो उल्टा उल्टा होगा, लोग बोलेंगे पहले 5 साल बोले थे चलो और एक चांस दिए, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसके पीछे मोदी जी का हाथ है। प्रिपरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, बताओ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है। अरे यार कितने बार बोलना है, ये जो आरपी है ना वो पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके दे देगा किसको, एप्लीकेंट को, ताकि एप्लीकेंट क्या बनाए, बस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रिपेयर, नाम लिखा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रिपेयर एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग व्हाट, क्या लिखा, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। अब बोर्ड क्या बोलेगा, बोर्ड मतलब कौन, आईबीबीआई जो बोलेगा जनरली, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसके अंदर, ये कंपनी का अभी फिलहाल का स्टेटस क्या है, कौन से प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, मार्केट शेयर क्या है, कॉम्पिटिशन क्या है, कंपनी का असेस का क्या है, गुडविल कैसा है, फ्यूचर क्या है इसके धंधे का, इन क्यों बताओ फ्यूचर का क्या क्या संबंध है इसका। अगर इस कंपनी को रिवाइवल करना है, क्या मार डालना है इसको, पहले पता होना चाहिए कंपनी का एग्जिस्टिंग, अगर कंपनी वैसे ही मर रही है, मान लो कंपनी बना रही थी कोई तो ऐसा प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल वीडियोकॉन बना रही थी वो सीआरटी की टीवीज, एलसीडी भी नहीं बना रही, एलईडी नहीं बना रही, स्मार्ट नहीं बना रही, वो कौन सी सीआरटी, वो डब्बे वाली बड़े बड़े, तो ये क्यों पता होना चाहिए। तो जिसको वापस जिंदा करने वाले पता तो होना चाहिए ना कि उसमें एलईडी एलसीडी बनने की ताकत भी है क्या नहीं, तो क्या उसको उभार के क्या करेंगे, वो कॉम्पिटिशन में खड़ा ही नहीं रह पाएंगे, ना वो LG को फाइट कर पाएंगे ना सैमसंग को फाइट कर पाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कंपनी के अंदर कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है, ताकि वो कंपनी वापस से कम बैक करे, या फिर एक काम करो ना CIRP करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा भी होता है 180 दिन पहले वो क्या कर लेते हैं, COC बोलते हैं खत्म करो साहब, इसका कंपनी का कुछ होना जाना नहीं है, 100 दिन में 90 डेज में बोल देते हो सब ये कुछ प्लान बनने वाला नहीं, हमने देख लिया ट्राई करके कुछ बहुत बेकार काम है, इसका तुरंत लिक्विडेशन चालू करो, 4 महीने भी क्यों रुकते हो, और 180 दिन तक रुकने की जरूरत क्या है, हम आज अभी बोल रहे हैं ना 180 दिन बाद भी आप यही बोलेंगे लिक्विडेट करो, उससे आज ही चालू करो ना, थोड़ा बहुत 2-4 महीने हमको भी पहले पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए कंपनी के बारे में जानकारी होना जरूरी है, सिर्फ क्या उभारना जरूरी नहीं है, लिक्विडेट करना ही है अगर नहीं चले तो। द आरपी शैल प्रोवाइड टू द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट एक्सेस टू ऑल द, अच्छा ये जो है ना रिजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या है, उसका एक नया डेफिनेशन उन्होंने पहली बार अमेंडमेंट के द्वारा जाहिर किया। उसमें क्या बोला कि रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है, एप्लीकेंट जो है, अब उन्होंने क्या करा, पहले बोलता था ये रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को होता कौन है, सिर्फ SBI होगा, अब क्या बोल रहे हो, सिर्फ ये अधिकार SBI को नहीं देंगे, जिन किसी को भी लगता है, कोई भी क्रेडिटर, चाहे वो अप्लाई तो केस में SBI ने किया था, पर अन्य क्रेडिटर्स भी, कोई भी प्रमोटर, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी आदमी को अगर लगता है कि उसके पास में कोई भारी प्लान है इस कंपनी को ऊपर लाने का, तो अपना प्लान सबमिट कर सकते। बहुत अच्छा अमेंडमेंट है,
क्यों बताओ? हर आदमी के उसमें आइडियाज है, तो लेट देम डिसाइड ना. अरे हो सकता है किसी का प्लान क्रैक कर जाए. तुम किसको प्लान देखो, प्लान तो अप्रूवल सीओसी ही करेंगे, पर लेट एवरीबॉडी सबमिट ना. हो सकता है किसी के प्लान में बहुत जोरों का दम होगा या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी होंगी हम लोग कम बैक कर जाए. तो प्लान रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जो था अमेंडमेंट के पहले जो था ओनली SBI वाज सपोज टू सबमिट. अब बोल रहा ऐसा नहीं है, कोई भी क्रेडिटर, कोई भी डायरेक्टर, प्रमोटर, कोई भी अपना, वो नंदलाल दूध खुद बोल सकता कि मेरा प्लान ये है. उसका प्लान एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं. प्लान तो वही कामयाब होगा जिसको जिसके फेवर में सीओसी हाँ बोलेगा. ओके अब देखो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है. मीन्स द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट टू मेक व्हाट द रिजोल्यूशन प्लान, मतलब रिजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए जो जानकारी चाहिए वो होना चाहिए. मीन्स द CD विच शाल इंक्लूड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स बाय dispute by or against the CD and any other matter pertaining to CD. इन्होंने any other लिख के खत्म किया, पर generally पूरे business की जानकारी, चाहे finance हो चाहे इसके ऊपर कोई legal cases हो, सबकी जानकारी उस पर किसने देना चाहिए? IRP ने, मतलब IRP ने देना चाहिए. किसको देना चाहिए? वो जिसको जिसको प्लान बनाना है वो जानकारी ले रहे, ये इन्फॉर्मेशन इसकी बुनियाद पर प्लान, मतलब प्लान बनाए पहले कि पहले मेमोरेंडम है, तो मेमोरेंडम को देख के प्लान बनेगा और प्लान फिर सबमिट होगा. आ गया प्लान. अब ये देखो, ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ये ब्रेक के बाद पढ़ेंगे. ओके तो आई थिंक आई सी आफ्टर ब्रेक, 5 मिनट्स ब्रेक. ओके टेक अ शॉर्ट ब्रेक.
Guys, welcome back. So we are moving on the next amendment of this chapter. Person not eligible to be resolution applicant. So मैं आपको कुछ बोलने जा रहा हूँ. सबसे important चीज़ है कि जो हम लोग resolution applicant की बात कर रहे थे, कि कौन से लोग होंगे जो प्लान बना के दे सकते हैं. बोलते हर कोई प्लान बना के दे सकते हैं. प्लान बनाने वाला जो बंदा है वो कोई भी हो सकता है, पर ये नहीं हो सकते. पहले बोल रहे सिर्फ SBI होना चाहिए, अब बोलते SBI नहीं, कोई भी हो सकता, पर ये नहीं हो सकते. कौन से लोग नहीं हो सकते उसके ऊपर चर्चा. 29A पर्सन नॉट एलिजिबल टू बी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट. कौन से लोग रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं होंगे. एक, नंबर वन, पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान इफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन एक्टिंग जॉइंटली और इन कंसर्ट विद सच पर्सन इज एन वॉट. कम ऑन एवरीवन. जैसे आदमी का खुद का ही दिवाला निकल चुका हो, क्या वो लोगों का जिंदगी उद्धार कर पाएगा. लोगों की जिंदगी का सुधारने जरा खुद के जिंदगी का दिवाला निकल चुका है, क्या ऐसे इंसान के हाथों हम अपना फाइनेंशियल प्लान करेंगे. जिसने खुद की जिंदगी को नहीं संवारा वो हमारी जिंदगी को क्या संवारेगा. पॉइंट क्लियर है. बेस्ट, बहुत आगे जाएगा ये पॉइंट. ओके गाइज, नेक्स्ट पॉइंट, कम ऑन, चेक इट आउट. इट्स अ विलफुल डिफॉल्टर. बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल इज द भगोड़ा. कौन भगोड़ा? विजय माल्या. विजय माल्या इज अ विलफुल डिफॉल्टर. RBI की लिस्ट में सबसे पहले ऊपर आता है वो, जहां भी जाता रैंक वन में आता रहता है. रैंक वन है उसका, रैंक वन. खराब लोगों की यादी में सबसे ऊपर स्थान लिया उन्होंने. हार नहीं मानी उन्होंने, विलफुल डिफॉल्टर है RBI की लिस्ट का. नंबर टू, नीरव मोदी. दोस्तों ऐसे जो विलफुल डिफॉल्टर है जिन्होंने खुद के जिंदगी में अपना फाइनेंस नहीं संभाला, जो अपने धंधे को नहीं संभाला, जिसको इंडिया तक छोड़ने का काम, ऐसे लोग को क्या हमारा प्लान बनाने का हक है. उससे अच्छा तो मैं अपना प्लान बना लूं. नंबर तीसरी बात, क्या लिखा है यहां पे? बहुत लिखा है, बहुत लिखा है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड. बहुत हार्ड है मतलब. अरे मतलब बहुत हार्ड है ऐसा बोल रहा हूं. एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान्स, एन अकाउंट और एन अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स अंडर द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ सच पर्सन और ऑफ हुम सच पर्सन इज अ प्रमोटर क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग असेट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस ऑफ RBI इश्यूड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. और बहुत ज्ञान दे, इतना लिखा है समझ रहे नहीं अभी तक क्या बोल रहे. और the guidelines of the financial sector regulator issued under any other law for the time in force or at least period of 1 year has lapsed from date of such classification till the date of commencement of the CIRPs. ओए भगवान क्या बोल रहे हैं. ऐसे इंसानों को अप्लाई करने का अधिकार नहीं देना चाहिए जिन्होंने लोगों का पैसा डुबाया है. जो NPA तो बनी गए 90 डेज में. आपको मालूम है वो अकाउंटिंग में लिखा होता है 90 दिन तक NPA होता है, एक साल तक स्टैंडर्ड और एक साल में सब स्टैंडर्ड. ये सब स्टैंडर्ड हो चुका है. एक साल लिखा है 1 year has lapsed, मतलब ये कौन सा सब स्टैंडर्ड हो गया. सब स्टैंडर्ड नहीं समझा आपको. फॉर एग्जाम्पल यह लिखा देखो, एट द टाइम ऑफ सबमिशन वो जो प्लान सबमिट कर रहा था, कॉर्पोरेट डेटर अंडर द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल सच पर्सन. सच पर्सन मतलब पर्सन मतलब कौन रहे. और हुम सच पर्सन इज अ प्रमोटर क्लासिफाइड एज एन NPA. NPA मतलब जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो ऑलरेडी NPA घोषित हो चुका है. जिसने जो भिखारी आदमी जो कहीं बैंक का पैसा नहीं दे रहा है और वैसा भिखारी हमारी कंपनी का प्लान कर रहा है. नहीं समझ रहा है. जिसने कहीं बैंक को लूटा है तो जाहिर सी बात आप भी और क्या प्लान बना, लूटर का प्लान बनाएंगे. ये इसने जो बैंक से आज तक पैसे लिए उस बैंक को पैसे देना नहीं है, एक एक साल हो गए. और वो वीडियो कॉन का प्लान करने चला कि वीडियो कॉन ने कैसा रिपेमेंट करना चाहिए. जिसने अपने जिंदगी में कभी वो लोगों का हो नहीं सका, कभी लोगों को पेमेंट दिया नहीं उसने, और वो वीडियो कॉन का प्लान क्या बनाएगा. और वो इतना ही अच्छा प्लान बना सकता था तो अपनी कंपनी का क्यों नहीं बनाया. फिर उसने बैंक को डुबाया और हमारी कंपनी का प्लान कैसे बनेगा. तो वीडियो कॉन का प्लान ऐसे तुच्छ लोग नहीं बनाएंगे जो खुद के जिंदगी में क्या हो चुके हैं. NPA नहीं, सिर्फ NPA से बात नहीं चल रही है. ऐसा ही NPA जिसका एक साल भी खत्म हो गया, मतलब उन्होंने बहुत सारे बैंक को डिफॉल्ट किया है और डिफॉल्ट का पीरियड एक साल से. प्रोवाइडेड दैट
द पर्सन शैल बी एलिजिबल टू सबमिट द रिजोल्यूशन प्लान इफ सच पर्सन मेक्स पेमेंट ऑफ ऑल ओवरड्यू अमाउंट्स विद द इंटरेस्ट देयर ऑन एंड चार्जेस रिलेटिंग टू व्हाट एनपीए अकाउंट्स बिफोर सबमिशन. वाह, इसमें बोलने की क्या जरूरत है फिर. वो बड़ा ऐसा किया था उसने, पर अब वो प्लान सबमिट करने से पहले उसने सब पैसा चुका दिया, अब वो किसी भी बैंक का एनपीए न रहा, तो अब वो प्लान सबमिट कर सकता है. मतलब एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ प्लान उसने प्रूव करना चाहिए कि मेरा कोई भी किसी बैंक को अब देना नहीं है. मतलब मैंने किसी बैंक के साथ में डिफॉल्ट, अरे डिफॉल्ट किया होगा पहले, पर पैसे दे दिया उसने इंटरेस्ट के साथ में, तो ऐसा इंसान अब प्लान बना सकता है. Provided further that nothing in this clause shall apply to resolution applicant where such applicant is what financially financial entity and is not a related party to the corporate debtor. Wow, yeah, मैंने पढ़ लिया. अरे वो क्या बोल रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं financial. बाप रे, हाँ. क्या बोल रहे हैं, कोई बंदा जो एनपीए हुआ है तो नहीं कर सकता जिसने एक साल तक लोगों के पैसे देने, पर सोचो किसी बैंक ने ही बैंक के पैसे नहीं दिए होंगे तो एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे ले सकती है, ले सकती है. और बैंक हो चुकी है एनपीए फॉर एग्जांपल, ये पूरा लाले लाले आपकी जिंदगी में जितने अटेम्प्ट आप और रुकेंगे और लाल होएगा. ये देखो हर अटेम्प्ट में लेके आता नया नया, मेरी जिंदगी तबाह कर रहे. ये आईसीआईसीआई बैंक जिनके असेट साइड में दिख रहा है एनपीए और नाम लिखा है देना बैंक. ये आईसीआईसीआई बैंक की क्या है, बैलेंस शीट है, ये उसका असेट साइड है. एनपीए में देना बैंक दिख रहा है, एक साल से देना बैंक किसके पैसे नहीं दे रही. क्या देना बैंक अब वीडियोकॉन का रिजोल्यूशन प्लान बना सकती है क्या? वो बोल रहे बना सकती है. एंड दिस सेक्शन कैन बी एंजॉयड ओनली बाय द फाइनेंशियल दिस प्रोविजो है, दिस अ प्रोविजो मीन्स इट्स एन एक्सेप्शन टू द मेन सेक्शन. ये सुविधा सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक उपलब्ध है, पर प्रोवाइडेड देना बैंक शुड नॉट बी द रिलेटेड पार्टी ऑफ वीडियोकॉन, क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी का रिजोल्यूशन बनाएगा तो कहीं ऐसा ना कुछ गलत बढ़कर करके प्लान बनाए और फायदा वीडियोकॉन को और नुकसान सारे सीओसी को जाए. एक बार पूरे सेक्शन को वापस देखते हैं. अगर कोई व्यक्ति ने किसी भी बैंक का एक साल तक पैसा नहीं दिया एनपीए हुआ, वो वीडियोकॉन का प्लान नहीं बना सकता है. हाउएवर इफ एनी बैंक हैज बिकम एनपीए, जिन्होंने एनी बैंक एनी फाइनेंशियल इन दिस केस देना बैंक एक साल से आईसीआईसीआई का पैसा नहीं दे रही है, फिर भी वो वीडियोकॉन का प्लान बना सकती है अगर वो वीडियोकॉन के रिलेटेड पार्टी नहीं है. लिखा है इसलिए एंड आया था. एंड देखो यहां पे एंड 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 भी लिखा है ना, रिलेटेड पार्टी नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन हो जाए. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो चाहिए चाहिए, मतलब साला ऐसा क्यों रे, मतलब जो बैंक है तो बैंक वाले लोन बैंक वाले प्लान बना सकते, चाहे बैंक कितनी भी चोर हो. तो देना बैंक चोर है फिर भी प्लान बना सकते. बेस्ट बेस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी. रिलेटेड पार्टी को बहुत अंदर जाके समझाया उन्होंने, थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे एक्सप्रेशन क्या है इसका रिलेटेड पार्टी का. डी वाले पॉइंट को पहले पढ़ते. हैज बीन कन्विक्टेड, मतलब इस आदमी के खिलाफ गुना सिद्ध हुआ है और वो जेल में भी, मतलब कोर्ट ने उसको जेल सुनाई है. जो आदमी जेल में जा रहा है, जो मुजरिम है, क्या ऐसा मुजरिम आदमी हमारे कंपनी का प्लान बना सकता है, मेरे कंपनी मेरे जिंदगी का उद्धार कैसे करना, ये हलकत आदमी समझाएगा मुझे जो खुद भी जेल में बैठा हुआ है. नहीं ना, जिस आदमी को जेल की सुनाव नहीं हुई वो क्या प्लान बनाएगा मेरा. वीडियोकॉन का प्लान है ऐसे लोग नहीं बनाएंगे. कौन, क्या सुब्रत राय वीडियोकॉन का प्लान बना सकता है, वो खुद जेल में बैठा है. बोले मैं जेल में बैठे बैठे कुछ करता हूं. कुछ मत कर तो अंदर ही अच्छा है. सर कब तक नहीं बनाएगा वो, अगर फॉर टू और मोर ईयर्स की जेल अगर हुई होगी उसको एज पर 12th शेड्यूल. ये 12th शेड्यूल कहां से है, ये IBBI का जो पूरा एक्ट है ना अपना IBC, उसके 12th शेड्यूल में कुछ गुनाह का नाम लिखा है. फॉलोइंग आर दी यू नो क्राइम्स
which are covered under Schedule 12. सारे नहीं, कुछ उसमें कुछ लिखे 25-30, उनमें से कोई एक कांड किया होगा, वो गुना की लिस्ट 12 शेड्यूल में दी है, उनमें से कुछ क्राइम का आपने काम किया है और उसमें आपको सजा 2 साल से ज़्यादा हुई है, तो आप क्या नहीं बन पाएंगे? आप ये प्लान सबमिट नहीं कर पाएंगे. कब तक नहीं कर पाएंगे? कब तक नहीं कर पाएंगे? यहाँ पे लिखा है देखो, प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ द इम्प्रिजन. समझा क्या मतलब? आदमी 2 साल जेल में रहेगा, 2 साल बाहर आने के बाद, यानी कि 4 साल तक वो प्लान नहीं बना सकता. रही बात शेड्यूल 12 के अलावा जो और भी कांड और क्राइम है दुनिया में, अगर उसमें उस आदमी की सजा 7 साल से या 7 साल से ज़्यादा हुई होगी, तो वो आदमी प्लान नहीं बना सकता. कब तक? 7+2 9 ईयर्स तक. सर अगर मान लो शेड्यूल 12 वाला क्राइम नहीं किया, आम क्राइम किया जिसमें 3 साल की सजा हुई, तो आदमी प्लान बना सकता है. 4 साल की बना, 12 की क्यों? अंदर से प्लान बना, दैट पर्सन इज एलिजिबल टू मेक प्लान. जो आदमी को 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई है, बोलो आगे, वही बंदा क्या प्लान नहीं बना सकता जिसको सजा हुई है 5 साल की, जो 12th शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, वो आदमी प्लान बना सकता है. सर वो 7 साल के बाद में बाहर आए जेल के आदमी, तो तुरंत कुछ नहीं होगा 2 साल, क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता भ्रष्ट हो चुकी है. 2 साल शांत होएगा, फिर नॉर्मल होके प्लान बनाएंगे. इज इट ओके? ऐसे पड़ता 164 में जेल में जितने साल उन्हें डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर जेल में से आने के 5 साल तक. ओके, प्रोवाइडेड फॉर दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू कनेक्टेड पर्सन, शैल नॉट अप्लाई टू कनेक्टेड पर्सन. सर कनेक्टेड पर्सन कहाँ लिखा है? एक्सप्लेनेशन 1 में. नेक्स्ट पेज पे आओ, लेट के लिखा है उन्होंने. यह है एक्सप्लेनेशन 1 जिसमें कनेक्टेड पर्सन की पूरी लिस्ट दी हुई है. इन सबको कनेक्टेड पर्सन बोलते हैं. सुन के लेना ध्यान से, अभी जो बोल रहा ना ऑसम बोल रहा हूं. यहां पे क्या लिखा था? जे वाला पॉइंट पढ़ना जरा, जे वाला इधर इधर जे, इसको जे बोलते हैं, इसको जे बोलते थे. हैज अ कनेक्टेड पर्सन. सर ये कहां से डिस्क्वालिफिकेशन चालू हुआ? बोलो बच्चों, ए बी, बोलो ना, ए बी सी डी बोलता था क्या? हाँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे. रुको, जे जे तक के सारे लोग डिस्क्वालीफाइड है. अभी तक उन जे में से हमने ए को देख लिया, बी को देख लिया, सी को देख लिया, डी को देख लिया. डी की कोशिश जारी है, तो ए बी सी डी देखा, ई एफ जी एच आई बी देखेंगे. पर जे में लिखा है कि जो जो पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे में डिस्क्वालीफाइड हो रहे आज तक, उन वो तो डिस्क्वालीफाइड हो ही रहे हैं, उनके कनेक्टेड पर्सन भी डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं. मतलब जो बंदा, एग्जाम्पल, जो बंदा जेल में गया है शेड्यूल 12 के तहत 3 साल के लिए, तो डिस्क्वालीफाइड हो गया. तो क्या उसकी बीवी डिस्क्वालीफाइड होगी? यस. उसकी खानदान डिस्क्वालीफाइड. ये कैसा कनेक्टेड पर्सन? तू चोर नहीं, तेरा खानदान चोर है. मतलब ये सेक्शन का जो कवरेज है ना, वो कवरेज आए. मतलब जो आदमी गुनहगार रहना है, वो तो तू गुनहगार नहीं है. तू गुनहगार, तेरा घर गुनहगार, तेरा मोहल्ला गुनहगार, तेरा गांव, तेरा जिला गुनहगार. ये ऐसा ही कनेक्टेड पर्सन, मतलब पहली बार देखा मैंने, ये आदमी पी के बना रहा था ये एक्ट. ये क्या बोल रहा है? मतलब सुनो ना, जो गुनाह कर रहा है वो नहीं, पर ये करते समय जे ने तो सब बात बोल दी, फिर ये समझ में आया कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने. उसको लगा कुछ ज्यादा ही हो गया यार, एक आदमी गुनाह कर रहा, बाकी लोगों को सजा क्यों? तो उसने 2 एक्सेप्शन दिए. 2 जगह पे ऐसा होगा कि गुनहगार वो है तो वही रहेगा, बाकी लोग गुनहगार नहीं होंगे. वो 2 बताता हूं मैं कौन से. देखो यहां पे लिख के दिया, शॉल नॉट अप्लाई इन कनेक्टेड पर्सन, यानी कि पॉइंट डी, और यानी कि पॉइंट ई. पॉइंट डी और पॉइंट ई आपको समझने के लिए ध्यान से पढ़ना होगा. जे क्या बोला था?
वो गुनेगार नहीं होता, उसका पूरी खानदान गुनेगार होती है, ठीक है। पर उसको दो एक्सेप्शन है, डी एंड ई। डी का क्राइम हुआ ना तो वो अकेला ही डिस्क्वालीफाइड होगा, कनेक्टेड पर्सन डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। और ई वाला भी होगा तो वो अकेला ही डिस्क्वालीफाइड होगा, कनेक्टेड पर्सन डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। समझता क्यों नहीं आपको? लिखा है ना, मैं थोड़ी नहीं बोल रहा हूं, इन रिलेशन टू कनेक्टेड पर्सन, समझा क्या? तो फिर आपने देखना पड़ेगा डी और ई में ऐसी क्या बातें हैं जिसमें वो गुनाह करते तो वही हो गए। तो डी में क्या लिखा है, अगर वो जेल में जाएंगे ना तो बाकी लोगों को क्यों सजा मिलना चाहिए, उसने गलत काम किया ना, बोलो आगे। तो गुनहगार वही, वो अकेला ही डिस्क्वालीफाइड होगा, वो अकेला ही। मान लो वो आदमी अगर जेल में गया तो उसकी बीवी जरूर प्लान बना सकती है, पर वो नहीं बना सकती। बोलो भाई बोलो। और ई में क्या लिखा है, इस डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर सेक्शन नंबर 164, जो बंदा अनसाउंड माइंड है, तो बताओ वही अनसाउंड माइंड होंगे या बाकी लोग अनसाउंड माइंड होंगे? और तू पागल, तेरी खानदान पागल, लोग बोलते ना झगड़े, तू पागल, तेरा खानदान पागल, तेरा मोहल्ला पागल, ऐसा नहीं हो सकता। उस केस में अगर वो पागल है, बोलो आगे, तो वही पागल है, घर वाले अजी अच्छे हैं। तो कनेक्टेड पर्सन कहां पे नहीं लगेगा? दो जगह पे, एक इम्प्रिजनमेंट के अगर हुई तो वो अकेला डिस्क्वालीफाइड, तो अकेला ही प्लान नहीं बना पाएंगा। दूसरा बोलो बच्चों, अगर डिस्क्वालीफाइड हुआ है, अब डिस्क्वालीफाइड के पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, वो बहुत सारे ना पूरा, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, इम्प्रिजनमेंट का पॉइंट है, और बोलो, वो कॉल मनी दिया नहीं, ट्रिब्यूनल ने बुलाऊंगा, आरपीटी, वो सारे, उसमें से कोई भी डिस्क्वालीफाइड तो वो अकेला ही उसके लिए वो है, बाकी नहीं। आगे देखेंगे, एफ इज अ प्रोहिबिटेड बाई सेबी। अभी है अपना एक एक्ट आता है सेबी एक्ट बोल के, और एक आता है सिकरा SCRA, दोनों भी आपको है सिलेबस में। उसमें कभी कभी कुछ लोग गंदा काम करते ना तो उसको NSC BSC पर ट्रेडिंग करने से रोक दिया जाता है। मतलब कांड ही ऐसा कि अब उसको क्या दे, मतलब दैट पर्सन विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग एनी बाय और शेयर सेल एक्टिविटी ऑन NSC BSC, इसे मतलब प्रोहिबिट कर दिए। तो अगर ऐसे बंदे को अगर सेबी बोल रहा है कि आदमी हलकट है, इसको ट्रेडिंग मत करने दो, तो इस आदमी ने इतना गलत काम किया होगा, इसका मतलब ये हमारे वीडियोकॉन का प्लान नहीं कर सकता। तो कौन से लोग प्लान नहीं कर सकते? अभी के लास्ट के 3 पॉइंट, अगर वो जेल में गया तो नहीं बना सकता है, उसके बाद में अगर उसने, हाँ, अगर वो 164 का डिस्क्वालीफाइड तो नहीं कर सकता, उसके बाद में सेबी अगर उसको बोल रहा है अच्छा आदमी नहीं है, तो हमारी कंपनी को प्लान नहीं बना सकता। नेक्स्ट जी, हैज बीन अ प्रमोटर, हैज बीन बोल दो, था, इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल, ये है पी, ये है एम, ए सी, PMC पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, प्रमोटर, मैनेजर, कंट्रोलर ऑफ अ कॉरपोरेट डेटर, मतलब वीडियोकॉन कंपनी को प्रमोटर था, मैनेजर था, कंट्रोलर था, ता 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 है नहीं, ता ता ता, इन विच अ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन और फ्रॉडिंग ट्रांजैक्शन has taken place, in respect of which an order has been made by A under this court. अब मैं आपको बोल रहा हूँ क्या बोल रहा है, चार्ज लिखिए, प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, समझता है? कभी ऐसा हुआ होगा, कब? पहले, कि वीडियोकॉन के जितने पीएमसी थे उन्होंने जानबूझ के कुछ क्रेडिटर्स को पार्शलिटी की, उनको मानते मरने वाले थे तो उन्होंने जानबूझ के कुछ लोग जो उनके खास थे उनको पैसे लौटाए, कुछ लोगों पार्शियल होना कभी भी किसको अच्छा नहीं लगता। कुछ क्रेडिटर्स मांग रहे थे उनको पैसे नहीं दिया और कुछ लोग को जानबूझ के दे दिए, इसका मतलब क्या तुमने क्या किया? ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा अगर उन्होंने किया होगा, किसने किया? मैंने नहीं किया, वीडियोकॉन के पीएमसी ने अगर ऐसा किया होगा पहले, तो वो वीडियोकॉन के पीएमसी प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि वो आदमी के चरित्र पर दाग हो गया, ये आदमी पार्शल हो सकता है, तो इसको आप प्लान मत बनाने दो, नहीं तो और पार्शल होएगा। अरे इस समय चल रहा है कि प्लान कौन बनाएगा, सब लोग बना सकते हैं इनको छोड़ के, अगर वो अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट है तो नहीं कर सकता, वो जेल में गया होगा तो नहीं कर सकता, 164 का डिस्क्वालीफाइड है तो नहीं कर सकता, उसको सेबी नहीं बोला होगा तो नहीं कर सकता। समझ में ये सब बोला ना? और देखो, अगर वो विलफुल डिफॉल्टर है विजय माला जैसा, तो वो भी प्लान नहीं कर सकता। किसी आदमी का पैसा NPA 1 साल से ज्यादा का हुआ है
वो भी नहीं कर सकते, जो लोगों के पैसे नहीं दे रहा तो हमारा क्या प्लान करेंगे? तो ये लोग प्लान नहीं कर सकते, ये पूरा आया हुआ अमेंडमेंट है, माहौल अमेंडमेंट है माहौल। बोल रहे बच्चों क्या बोल रहे हैं? प्रेफरेंशियल क्रेडिट या फिर अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, यानी कि क्रिएटर्स को उन्होंने लूटा है। क्रिएटर के 100 करोड़ के ट्रांजेक्शन होते थे, वो लोगों को 50 करोड़ देता था, अंडर वैल्यूड। मतलब ये क्रिएटर के हित में काम नहीं किया पीएमसी ने। कौन सी पीएमसी? जो पहले थे। तो जिन पीएमसी ने ये गंदा काम आज नहीं किया, हैज बीन कर चुके हैं, ये पीएमसी जो पार्शियल रह चुके हैं, जिनके चरित्र पर दाग है, ऐसे पीएमसी बोला आगे अभी ये प्लान नहीं बना सकते। पर इसमें एक एक्सक्लूजन लिया है, प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इफ द प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांजेक्शन या फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन, जो भी किए होंगे। ये चारों गंदे गंदे नाम है सभी, अच्छे नाम नहीं, तारीफ नहीं है, बुराई है। ये चारों जो पॉइंट है ना, ये गलत है। पी यू ई एफ, ये चारों गालियाँ हैं। ये गंदे काम जिसने भी किए होंगे वो बंदा प्लान देने लायक नहीं है, पर दे सकता है अगर अगर हैज टेकन प्लेस प्रायर टू द एक्विजिशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बाय द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट परस्यूएंट टू द रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड अंडर दिस कोड परस्यूएंट टू स्कीम और प्लान अप्रूव्ड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर और कोर्ट अंडर सच रिजोल्यूशन एप्लीकेंट हैज नॉट अदरवाइज कॉन्ट्रीब्यूट। अरे क्या बोल रहा है? इस वीडियो कॉन में पीएमसी 1-1 थे, मान लो। सुनो वो क्या बोल रहा है, सुनो ना, सुनो सुनो वो क्या बोल रहा है, कौन से लोग कर सकते कौन से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो कॉन है, पहले यहाँ पे P1 था, M1 था, C1 था, इन्होंने गंदा काम किया, इनको निकाल दिए। इनके बाद में कंपनी में P2, M2, C2 आए। ये वो लोग हैं जिन्होंने, बोलो ना, ये सब इन्होंने सब गंदा काम किए, ये गंदा काम किया इन्होंने, तो ये गंदा काम किया इन्होंने, गंदा काम है तो इनको क्या किया हमने, रिमूव कर दिए और इनको हमने अपॉइंट किए। ये अच्छे लोग हैं और ये गंदे लोग हैं, तो डिस्क्वालीफाइड कौन हुआ है? ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, पर ये तो कर सकते ना, ये बोल रहे हो। बिकॉज जो गंदा काम हुआ था इनके टेन्योर में हुआ ही नहीं था, गंदा काम तो इनके ऑफिस, ये सिर्फ उसके बाद में अपॉइंट हुए हैं, तो इसमें P2 M2 C2 का क्या कसूर है? गंदा काम जो किया वो भुगतेगा। मतलब ये लोग प्लान बना सकते हैं, वो नहीं बना सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ओके 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 ओके, चलो पढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं हैज एग्जीक्यूट गारंटी, खत्म हो गया ना भाई। वीडियो कॉन के जितने गारंटर नहीं बन सकते, वीडियो कॉन के गारंटर नहीं बन सकते। बताओ क्यों नहीं बन सकते? वो प्लान बनाएंगे, आपको लगता है किसके फेवर में बनाएंगे? वो वीडियो कॉन और अपने फेवर में बनाए गारंटर, जो वीडियो कॉन का गारंटी इसने लिया था ना, उन गारंटर को क्या नहीं बनने देंगे? प्लान बनाने नहीं देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इज सच सब्जेक्ट टू डिसएबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू क्लॉज A to H अंडर द लॉ इन ज्यूरिसडिक्शन आउटसाइड इंडिया। ऐसा लगता है ये पॉइंट जो ना विजय मालिक लीला है, नहीं समझा? इज सच टू एनी डिसएबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू क्लॉज A to H, अभी A to H दिखा ना हमने ऊपर वाले सारे पॉइंट, अंडर एनी लॉ इन अ ज्यूरिसडिक्शन आउटसाइड इंडिया। मुझे समझाओ ना क्या बोल रहे। अगर भले ही ये इंडिया में इन्होंने गंदे काम नहीं किए होंगे, पर ये गंदे काम इंडिया के बाहर भी अगर इस बंदे ने किए होंगे A to H में के, तो ये बंदा ये सब प्लान सबमिट नहीं कर सकता है। वापस है, ये गंदे कामों की लिस्ट है। ये गंदा काम कहाँ पे किया? मान लो उसको सजा होगी 7 साल के ऊपर की, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर हुई, तो फिर वो इंडिया में, मान लो इंडिया के बाहर के बैंक का पैसा उसने 1 साल से नहीं दिया, तो इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकता। अरे यार बोल रहे नहीं, डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ कनेक्टेड पर्सन लिखा है कि कनेक्टेड पर्सन कौन होते हैं, और यहाँ पे ये भी लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन फाइनेंशियल एंटिटी कौन सी होती है। ठीक है, आप जरूर ये आप पढ़ लेना अच्छे से, एक्सप्लेनेशन 1 एंड 2। मेन मेरा मुद्दा है कि कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते। बताओ भाई कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते फिर से एक बार? अंडरचार्ज इंसॉल्वेंट अप्लाई, जिसका दिवाला निकल चुका। दूसरी बात, जो विलफुल डिफॉल्टर, एग्जाम्पल विजय माल्य। तीसरी बात, अरे बोल रहे नहीं, 1 साल से ज्यादा का जो NPA हो चुका है, जिस आदमी ने लोगों का पैसा नहीं दिया है, प्रोवाइडेड दैट
अगर उसने अप्लाई करने से पहले ही पेमेंट और इंटरेस्ट चुका दिया तो उसको अलाउड करेंगे। डी में अगर उसको जेल होगी शेड्यूल 12 के हिसाब से 2 साल से ज्यादा की, आगे बोलो, तो वो कर सकता है अप्लाई क्या? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, पर 2 साल से कम की तो कर सकता है। 7 इसके अन्य अतिरिक्त जितने भी एक्ट होंगे उसमें 7 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो बंदा नहीं कर सकता। कब तक वो डिस्क्वालीफाइड रहेंगे? जेल से आने के 2 साल के। पर इस पॉइंट में वही लोग जाएंगे जो जेल में गए हैं, उसके कनेक्टेड पार्टीज अप्लाई कर सकती हैं। अन्य ए से लेके एच में डी और ई ही पॉइंट ऐसे हैं सिर्फ जहां पे कनेक्टेड पर्सन को मुजरिम नहीं माना गया, अथवा ए और एच के अंदर जितने भी पॉइंट्स थे उसमें गुना भले ही कोई भी करे तो कनेक्टेड पार्टी भी गुनहगार माना जा रही थी। एक्सेप्शन डी एंड ई पॉइंट। ई पॉइंट क्या लिखा है? अगर बंदा 164 का डिस्क्वालीफाइड है तो वो बंदा ही अकेला अप्लाई नहीं कर सकता, उसकी खानदान कर सकती है, उसके बाकी लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अरे बोलो ना आगे। देखो ये हो गया ए बी सी डी, हो गया ई, हो गया एफ, एफ बोलेंगे एफ। किसी को सेबी ने मना कर दिया तो हम भी मना कर देंगे। सेबी बोल रहे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, हम भी बोलेंगे तो मैं अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? जी में क्या बोला है कि अगर आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कुछ किया होगा या फ्रॉडुलेंट कुछ किया होगा, किसी का असेट्स अंडर वैल्यू किया होगा, ऐसा कुछ गुनाह किया होगा तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। पर इसमें एक बात लिखी है, कौन सी बात लिखी है बताओ? अरे बोलो ना क्या लिखा है इसमें, कि अगर P1, M1 एंड C1 तीनों ने अगर गलती काम की, उसके अभी P2, M2, C2 आए होंगे और P2, M2, C2 ने तो कुछ गलत काम नहीं किया तो उनको क्यों रोकना चाहिए फिर हमने? बात तो सही है, बराबर है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज दैट? गारंटर जो थे, गारंटर वीडियो कॉन के जितने भी गारंटर होंगे, आगे बोलो प्लीज, वो भी अप्लाई नहीं कर पाई। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? अगर यही सारे काम A2H से लेकर इंडिया के बाहर भी हो रहे होंगे तभी भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? कनेक्टेड पर्सन। पर कनेक्टेड पर्सन लिख दो, एक्सेप्शन दो है। कौन सा एक्सेप्शन है इसमें? अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख के दिया ना, तो इसलिए वो सारे कनेक्टेड पर्सन भी चले जाएंगे क्योंकि आप स्पेसिफिकली लिख के दिया उसको। नहीं आई अंडरस्टूड तुम क्या बोल रहे हो, ऊपर लिख के दिया ना, मतलब स्पेसिफिक ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल, ठीक है ना। आगे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े क्या? ये जो हमने पढ़ा ना, ये दर्द वाली चीज़ें पढ़ ली, दर्द समाप्त हो गया, अच्छी चीज़ें, अब अच्छे दिन आ गए। रेजोल्यूशन प्लान, अरे भाई जिसको बनाना बनाओ भाई प्लान, पर प्लान तो सबमिट करो। इट्स टाइम टू सबमिट द प्लान, कम ऑन एवरीबॉडी, वेलकम बैक। बताएंगे सेक्शन नंबर 30 एंड 31 ऑफ द कोर्ट डील्स विद व्हाट? रेजोल्यूशन प्लान अलोंग विद व्हाट? कम ऑन व्हाट इज दैट? एफिडेविट स्टेटिंग दैट ई इज एलिजिबल अंडर व्हाट? वो बोलेगा मैं प्लान सबमिट करो और मैं लिख के दे रहा हूं 29A में जितने भी लोग है ना, मैं उसमें शामिल नहीं हूं, मैं वो हूं जो 29A में प्रोहिबिटेड नहीं हूं। तो प्लान सबमिट कर सकता है या नहीं कर सकता है? रेजोल्यूशन प्लान शैल प्रिपेयर, बताओ किसको दिया जाएगा? प्लान सबमिट किसको करेंगे? प्लान सबमिट किसको करेंगे? नहीं, पहले आरपी के पास जाएगा, आरपी को लगता है फिर वो सीओसी के पास जाएगा, सीओसी को लगता है फिर एनसीएलटी के पास, और एनसीएलटी एक्सेप्ट करेगा तो फिर कंपनी तो रिजोल्यूशन हो जाएगा या फिर लिक्विडेशन हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, 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 एप्लीकेंट मे सबमिट रिजोल्यूशन प्लान अलॉन्ग विद क्या बोलो? कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं। किसमें डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं? 29 में डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं। टू द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल देगा ऑन द बेसिस ऑफ किसके? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के, वो तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो बना के दिया था, बना था उसने, था आरपी ने, और बना के उसको दिया था उन्होंने देख के। आरपी ने क्या बनाया था बच्चों? आरपी ने बनाया था इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, फिर दिया था किसको? रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को। एप्लीकेंट ने सबमिट किया किसको? आरपी को। आरपी ने सबमिट किया सीओसी को। सीओसी ने सबमिट किया एनसीएलटी को। बस ऐसा ही है। फिर एनसीएलटी ने दो बातें बताई, एक तो रिजोल्यूशन करेंगे, लिक्विडेशन करेंगे। या आगे एग्जामिनेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, द आरपी शाल, आरपी शाल एग्जामिन ईच रिजोल्यूशन प्लान, ठीक है ना। प्रोवाइड्स, क्या लिखा है?
टू कंफर्म दैट ईच रिजोल्यूशन प्लान प्रोवाइड्स द पेमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट इन मैनर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड इन प्रायोरिटी प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट्स ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर. अरे क्या लिख रहा है वो, पेमेंट रिपेमेंट कर रहा है वो, क्या बोल रहा है, जो प्लान बनाया है क्या सब लोग को अपना पैसा मिलने का प्रावधान है क्या? नहीं, ऐसा प्लान नहीं चाहिए जिसकी वजह से एफसी को भी पैसे नहीं मिल रहे और ओसी को भी पैसे नहीं मिल रहे, ऐसा प्लान नहीं होगा. तो क्या चेक करेगा कि ये प्लान के कारण क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर को और ऑपरेशनल क्रेडिटर को अपने अपने पैसे मिल जाएंगे. प्रोवाइड्स द फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेटर आफ्टर अप्रूवल ऑफ द, क्या करेगा, प्रोवाइड्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स, वो कौन करेगा, आफ्टर अप्रूवल ऑफ व्हाट, रिजोल्यूशन प्लान द इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ. अरे वो क्या बोल रहा है, ये प्लान को कौन चेक करेगा, आरपी, और चेक करते समय ये चेक करेगा कि एफसी के बारे में बोला है क्या, ओसी के बारे में बोला है क्या, मैनेजमेंट कौन करेगा इसके बारे में लिखा है क्या, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा उसके बारे में लिखा है क्या, डज नॉट कॉन्ट्रावीन व्हाट, कहीं ये प्लान में कुछ कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है क्या, ये सारी बातें कौन चेक करेगा, आरपी. और आरपी को लगता है ओंटा मोटी सारा प्लान अच्छा है तो आरपी इस प्लान को सीओसी के सामने रख देगा. ठीक है ना, आगे ये कुछ आया हुआ है आपके लिए खास. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इशूड क्लैरिफिकेशन द व्यू ऑफ रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 30 सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ओके ऑफ द कोड ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू कंफर्म दैट ईच रिजोल्यूशन प्लान रिसीव्ड बाय हिम डज नॉट कॉन्ट्रावेन, मतलब इस प्लान के बारे में ओके प्रोविजन ऑफ द लॉ. अकॉर्डिंगली क्लैरिफिकेशन वॉज सॉट वेदर द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स and members of the corporate debtor companies required for the resolution plan at any stage during process for its consideration and approval laid down under section 3031 IBC code and after approval during the implementation for any action contained in the resolution plan which would normally require specific approval of the shareholders and members under the provision of क्या समझा इसमें? कुछ नहीं समझा. आपको क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़ना. वो क्या बोल रहा है, आपने चेक करना चाहिए कि जो प्लान बन रहा है वो कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं कर रहा है, डज नॉट कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ. और क्लैरिफिकेशन क्या है, अब देखना. अकॉर्डिंग टू क्लैरिफिकेशन वॉज सॉट वेदर द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर एंड मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स, मतलब वीडियोकॉन के शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा क्या, इज रिक्वायर्ड फॉर द रिजोल्यूशन प्लान एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस फॉर इट्स अ कंसिडरेशन एंड अप्रूवल एज अ लेट डाउन एंड तीस. आप मुझे बताओ, आपसे मेरा सवाल है, क्या सी ओ सी ने हाँ बोल दिया तो क्या मतलब हम ये अज्यूम कर लेंगे शेयर होल्डर ने हाँ बोल दिया? क्या शेयर होल्डर की अलग से परमिशन लेना पड़ेगी? मेरा प्रश्न है, जो प्लान आया वो प्लान को अप्रूवल दिया सी ओ सी ने, क्या अलग से शेयर होल्डर की परमिशन की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ या ना में जवाब दो, ना या नहीं, क्योंकि वो हक हो चुके हैं, शेयर होल्डर की परमिशन की जरूरत नहीं. ओके यहां लिखा है वेदर वेदर द अप्रूवल उनकी जरूरत है क्या ऑफ द आईबीसी, क्या लिखा है, एंड अप्रूवल एज लेड अंडर, क्या बोले, फर्स्ट कंसीडरेशन एंड अप्रूवल एज लेड डाउन अंडर सेक्शन 30 एंड 31 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड आफ्टर अप्रूवल ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन फॉर एनी एक्शन कंटेन्ड इन द रिजोल्यूशन प्लान व्हिच वुड नॉर्मली रिक्वायर स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर मेंबर्स अंडर द प्रोविजन थ्रू द इश्यू ऑफ दिस सर्कुलर इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट approval of shareholder members of the CD company of a particular action required in resolution plan for its implementation which would have been required under the Companies Act or any other law if the resolution plan of the company was not being considered under this code is deemed to have been given, deemed to be have given. समझा क्या मतलब क्या हुआ? नहीं समझा, पूरा पढ़ के भी नहीं समझा. इस नोटिफिकेशन से क्लैरिफाई हो चुका है क्या? क्या क्लैरिफाई हुआ कि जिस चीज की जरूरत थी, जो शेयर होल्डर की जरूरत हुआ करती थी, अब उनकी जरूरत नहीं है. इट इज डीम्ड टू हैव बीन गिवन ऑन इट्स अप्रूवल बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. इसका मतलब क्या है, अगर ये अप्रूवल कर दे, अगर सीओसी अगर अप्रूवल कर दे एनसीएलटी, तो हम इस कंपनी के शेयर होल्डर को ये पूछने के लिए मोहताज नहीं है. अगर ये प्लान अगर सैंक्शन हो गया किसकी बदौलत, सीओसी और एनसीएलटी को हाँ हो गया, तो इसके बाद में ये कभी ना समझे कि हमें शेयर होल्डर से अलग से अप्रूवल लेना जरूरी है. क्लैरिफाइड है? ओके, आगे कंफर्म्स टू सच अदर रिक्वायरमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड. अब तो क्या अमेंडमेंट में लिख के दे दिया उसने, क्या करते यार लोग. पहले सर्कुलेशन लाया, क्लैरिफाई किया, बाद में वही चीज अमेंडमेंट में लिखी थी. क्या लिखा अमेंडमेंट में? फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 5
मतलब कोई कॉन्ट्रावेंशन है कुछ हुआ होगा तो इफ एनी अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, मतलब अगर कंपनीज एक्ट के तहत अगर ऐसी चीजों के लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन अंडर द रिजोल्यूशन प्लान सच अप्रूवल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन एंड इट शैल नॉट बी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द एक्ट. भले ही कंपनीज एक्ट ने कहा होगा कि ऐसे समय पे आपको क्या लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा. देखो कंपनी, ये हम लोग अभी कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ रहे, हम आईबीसी पढ़ रहे हैं, इसलिए बोलते हैं आईबीसी हमेशा ओवर रूल करता है. कंपनीज एक्ट बोलता था कुछ भी लॉ के बगैर किया ना आपने या कुछ के उल्टा, तो आपने शेयर होल्डर का परमिशन लेना जरूरी है, ऐसा कंपनीज एक्ट कहता है. ये आपने इंटर में पढ़ा हुआ, कभी भी कुछ ईयर वायोलेटिंग सम लॉ और कुछ ऐसा होगा जो इट इज नॉट एज पर द लॉ, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ मेंबर्स. वो कौन बोल रहा था, आईबीसी क्या बोल रहा है इस पर्टिकुलर मैटर के लिए. अगर आईबीसी करते समय बोलो ना, अगर कुछ हो रहा होगा, क्या अगर कुछ कॉन्ट्रावेंशन हो रहा होगा उसके लिए अगर किसकी परमिशन नहीं ली तो तभी भी ऐसा नहीं मानेंगे कि कंपनीज एक्ट का उल्लंघन हुआ है, ऐसा मान लेंगे कि शेयर होल्डर की परमिशन नहीं ली है फिर भी ले ली है. ठीक है ना, ये पॉइंट काम का है, मतलब इसके ऊपर केस स्टडी बन जाएगा ऐसी अगर कि उन्होंने शेयर होल्डर को परमिशन नहीं ली, अब बताओ तुम क्या करेंगे, कंपनीज एक्ट का तो वायोलेशन हो गया, क्या गुनाह किया, क्या नहीं गुनाह किया है, बिकॉज आईबीसी ओवर रूल करता है. अप्रूवल फ्रॉम किससे अप्रूवल लेंगे बोलो जल्दी से, सीओसी से अप्रूवल लेंगे, अरे लेंगे क्या द रिजोल्व. अब किसने अप्रूवल कर दिया, पहले तो बनाया किसने, एप्लीकेंट ने, अरे बोलो आगे, फिर किसने हाँ बोला, आरपी ने हाँ बोला, आप कौन हाँ बोलेगा. द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रेजेंट टू द कमिटी, जितने भी लोग प्रेजेंट, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल किसको देंगे, कमिटी को देंगे, फॉर अप्रूवल सच रिजोल्यूशन प्लान विच कंफर्म्स. तो किसके हाँ बोलना जरूरी है, और कितने परसेंटेज लोगों ने हाँ बोलना जरूरी है. द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मे अप्रूव अ रिजोल्यूशन प्लान बाय वोट ऑफ नॉट लेस देन, क्या बोल रहा है ये 75 आ गया ना भाई, ये मुझे 66 करना पड़ेगा, एक मिनट देखना, तो बस 75% ऑफ वोटिंग शेयर of a financial creditor after considering the its feasibility and viability and such other requirement as may be, samjha gaya, the committee of the creditor may approve the resolution plan by vote not less than what, samjha, provided that the committee of creditors shall not approve resolution plan submitted before commencement of IBC where the resolution applicant is ineligible under section, wo likha hai, theek hai. एंड रिक्वायर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू इन्वाइट प्रेस, समझा क्या बोल रहा है. अगर मान लो प्लान देने वाला बंदा 29A के हिसाब से क्या होगा, अरे वैलिड नहीं था, डिस्क्वालीफाइड है, तो ऐसे बंदे के लिए आपको जरूरत नहीं है, मैं उसको बोलो कि दूसरा प्लान भेजे, बिकॉज जो बंदे ने प्लान भेजा ना वो आदमी एलिजिबल ही नहीं प्लान देने के लिए. जो बंदा प्लान देने के लिए एलिजिबल ही नहीं उसके प्लान के ऊपर चर्चा क्यों करेंगे हम, माता पच्ची, जब वो प्लान देने वाला ही गलत आदमी है तो उसका प्लान क्यों अप्रूव करेंगे. तो क्या लिखा ना, मे रिक्वायर द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू इन्वाइट वॉट फ्रेश, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट रेफर्ड इन द फर्स्ट प्रोविजो इज इनएलिजिबल अंडर सेक्शन वॉट, क्या बोल रहे इसमें इनएलिजिबल है. वो सी वाला पॉइंट कौन सा था, वो एक साल वाला था ना, एक साल तक का जो एनपीए. द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट शाल बी अलाउड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग वॉट 30 days टू मेक द पेमेंट ऑफ ओवरड्यू अमाउंट, समझा के क्या बोल रहे, क्या बोलेंगे उसको, भाई तेरे ऊपर जो उधारी नहीं लोगी 30 दिन के अंदर निपटा था तो फिर तेरा प्लान हम लोग कंसिडर, इसलिए उधर भी लिखा था अगर वो बाद में पैसा दे देंगे तो एलिजिबल हो जाएगा. 30 दिन की मोहलत दी उसको, 30 दिन में पैसा देंगे तो उसका प्लान कंसिडर किया जाएगा. आगे प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग इन द सेकेंड प्रोविजो शैल बी कंस्ट्रूड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ पर्पज ऑफ द प्रोविजो सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12 एंड द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस shall be completed within the period of what specified. Oh. मुझे समझा इसका मतलब क्या है, इसका यह मतलब नहीं, क्या मतलब नहीं भाई, सीआरपी का पीरियड कितना है, 180 है ना, आप पढ़ो क्या बोल रहा है. Provided also that nothing in the second proviso shall be construed मतलब interpret as an extension of the period. बस रुक जाओ, माता की समझ जाएंगे, इसका यह मतलब नहीं कि 180-210 हो जाएंगे. वो तुम्हारा एप्लीकेंट ने जो को अपने जो 130 दिन एक्स्ट्रा दिए इसका मतलब नहीं है, वो 30 दिन में भी, वो 30 दिन बढ़ा के भी, मतलब जब वो बंदा अगर मान लो 170वें दिन गया होगा
और उसको बोलेंगे 30 दिन के अंदर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 30 दिन नहीं मिलेंगे उसको, वो 30 दिन में चुका भी देंगे तो काम का नहीं है, क्योंकि 180 दिन की खत्म हो रही है रिमिट, वो 180 दिन पे लॉक है, वो लॉक एक्सटेंड, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2-4 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, लगे जाना पड़ेगा, ताकि द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज शुड नॉट बी मोर देन 180। नहीं अरे समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। हाँ आगे यार कनेक्टर जल्दी कैसे, क्या लिखा पढ़ो, provided also that eligibility criteria of section number 29A as amended by the Insolvency Bankruptcy Code Ordinance 2018 shall apply to resolution applicant who has not submitted resolution plan as on जिसका CIRP चालू हो चुका है पर plan submit नहीं किया, उसके लिए भी applicable होगा। आपको समझे नहीं, बहुत गहराई थी इसमें, बहुत अच्छा क्या क्लैरिफाई कर दिया उसने, आपको समझा इसका गहराई क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये फर्स्ट डे है CIRP का, कब खत्म हो गए 100 पे ये कंप्लीट होना चाहिए, यहां पे मान लो ये लॉ इंट्रोड्यूस हो गया, लॉ इंट्रोड्यूस हुआ कौन से सेक्शन का, 29A, बोलो क्या बोलना है, अब लॉ इंट्रोड्यूस यहां पे हुआ, भले ही CIRP जिसका चालू हो चुका था, हो सकता है यहां पे ऑलरेडी कोई तो एक बंदा है जो 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 इंसॉल्वेंट है, वो प्लान बनाना चालू कर दिया था, जैसे ही लॉ बीच में आ गया उसको रुकना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है, नहीं समझा, मतलब अब ये मत सोचना कि हमारा ऑलरेडी ओके बोलेंगे सर हमारा तो CIRP पहले से चालू हो गया था ना, ये लॉ तो अभी आ गया, नहीं नहीं यही बंदा, ए भाई रुक, ये तेरा बंदा ना इंसॉल्वेंट है, 29A में बैठता नहीं, ये तेरा काम चालू उसको बोला बंद कर, दूसरे को बोल चालू करने के लिए, दूसरा प्लान सबमिट करेगा, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति ऑलरेडी जिसका प्लान चालू हो चुका था पर जो डिस्क्वालीफाइड है 29A में, बोलो आगे बोलो कुछ, तो उसको रोको, रोक उसको, दूसरे को बोल प्लान बनाने का, उसका प्लान चलेगा नहीं, वो आदमी का प्लान स्वीकारेंगे नहीं, तो कब चेक करेंगे कि वो 29A में है कि नहीं, इधर का जान दो, ये डेट पे चेक करेंगे जो बंदा दे रहा है ना, जब वो बंदा आएगा ना सबमिट करने तब चेक करेंगे कि वो 29A में क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालीफाइड है, वीडियो कॉल बोलेंगे साहब ये इसका काम पहले से चालू हो गया था, भाई तो ये मत सुना आज वो क्वालिफाइड है क्या, नहीं है, क्योंकि आज क्या है ऐसे लोग जो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं 180वें दिन पे वो क्या चेक करेगा, NCLT भाई तू क्वालिफाइड है क्या 29A, बोले नहीं, फिर तू जा तो बोलेंगे नहीं ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं तो कितने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, लॉ तो अभी अभी है, ए भाई ये छपरी ज्ञान मत दो, निकलो ऐसे ये नहीं चलेगा, मतलब क्या है भले ही लॉ बाद में आया वो पहले से काम कर रहा था फिर भी वैलिड नहीं है, ये बहुत बड़ा खुलासा है, ये किसकी बात है, देखो आज के बाद में जो CIRP से नया चालू हो रहा है ना CIRP, उनको तो ये 29A फॉलो करना ही है, पर जो पहले चल रहे थे रेट्रोस्पेक्टिव में घुस गए हो, जिनका प्लान अब तक सबमिट नहीं हुआ ना उनको भी करना ही, चलो जितना समझा ठीक है, नहीं समझा कोई बात नहीं आगे बढ़ेंगे। दोस्तों क्या लाया, क्या लिखा है यहां पे, कहां पे हूं मैं, 29A, राइट ऑफ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट टू अटेंड द मीटिंग, बोलो भाई क्या बोल रहा है, अटेंड द मीटिंग, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट मे अटेंड द मीटिंग, वो अटेंड कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट द रिजोल्यूशन शैल नॉट वोट शैल नॉट हैव राइट, क्यों, प्लान भी उसका वोटिंग भी वो करेगा, मजाक लगा रखा गया उसके प्लान को तो हाई बोलेगा ना वो, फॉर एग्जाम्पल SBI ने प्लान बनाया अच्छा है और SBI का खुद का 70% है अच्छा है, प्लान वही बनाया अप्रूव, एक काम करना आया क्यों घर से अप्रूव लेके आ जा, नहीं चलेगा ना वैसे, तो रिमेनिंग वालों का लेंगे ना, तो 66% किसका लेंगे, हाँ जो रिमेनिंग का 66 लेंगे। आगे Submission of approved resolution plan. क्या बोल रहे हैं? The resolution professional shall submit resolution plan as approved by the committee to किसको? किसको submit करेंगे? मानो COC ने 66% पे इसको lock कर दिया, बोला हाँ ठीक है, आप कहाँ जाएंगे? RP ने approve कर दिया, COC ने approve कर दिया, आप कहाँ जाएंगे? NCLT के पास जाएंगे। Approval of resolution plan by A. अब A भी हाँ बोलने वाला है। A is satisfied that. Come on. RP as approved by the committee of the creditors meets the requirement. इस प्लान में वो सारी बातें जो होना चाहिए,
इट शैल बाय ऑर्डर अप्रूव करेंगे प्लान विच शैल बी बाइंडिंग बाइंडिंग हो जाएगा वीडियो कॉन को इसके मुताबिक ही काम करना पड़ेगा एंड इट्स एम्प्लॉई मेंबर्स सबको फॉलो करना पड़ेगा कोई चैलेंज नहीं करेगा इसको आगे प्रोवाइडेड दैट ए शैल Before passing an order, approval of the resolution plan under subsection, satisfied that the resolution plan has a provision for what? क्या लिखा है? Plan सिर्फ paper पे अच्छा नहीं चाहिए. बोलो आगे. NCLT ने ये भी check करना चाहिए जो देखो भाई हम लोग plan तो पढ़ाई का बहुत बनाते. लोग 17 घंटे पढ़ाई कर लेंगे पर ये check करो बच्चे का track record है क्या 17 घंटे का? ये हवला बच्चा आज तक 9 घंटे के ऊपर पढ़ा नहीं लिख रहा 17 घंटे में मैं पास हो जाऊंगा ये चेक करो जो लिखा है वो मुमकिन भी है कि नहीं देखो इमोशनल होना अलग बात है प्रैक्टिकल होना अलग बात है ये लिख रहे 3 साल में वीडियो कॉन इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी ये मुमकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होने लायक है कि नहीं वो भी चेक करना जरूरी प्लान को अप्रूव करने से पहले किसने चेक करना चाहिए एनसीएलटी ने कि ये जो चीजें लिखी है वो प्रैक्टिकली मुमकिन है कि नहीं विदर इट इज पॉसिबल टू इंप्लीमेंट हवा मत करो लोग हवा कर ये कर देंगे वो कर देंगे अपन ने क्या लोन लेने से पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते 30% हाइक सेकेंड ईयर में 60% ऊपर साला बैंक वाले को ऐसा लगे मतलब कंपनी क्या फ्लरिश कर रही है अपने को मालूम है अंदर कितनी आग लगी रहती प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते ना आप लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स ऐसा ऊपर जाता है वेयर द ए इज सैटिस्फाइड दैट द रिजोल्यूशन प्लान डज नॉट कंफर्म वो क्या करेगा उसको रिजेक्ट करेगा रिजेक्ट बोलो रिजेक्ट करेगा उन्हें क्या होगा अरे रिजेक्ट अब एक ही रास्ता बचा है मौत कौन सी मौत लिक्विडेशन आफ्टर द होल्डर्स ऑफ अप्रूवल अगर अप्रूव कर दिया तो क्या होगा मोरेटोरियम ऑर्डर पास बाय ए शैल सीज चाहे वो हां का अप्रूवल हो चाहे लिक्विडेशन का हो मोरेटोरियम हो जाएगा खत्म आगे द आरपी शैल फॉरवर्ड ऑल द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट ये जो भी उसने काम किया था तो किसको सबमिट करना चाहिए मान लो कंपनी को मारना है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे लिक्विडेटर आएगा तो इसने जितना भी काम किया ना 180 दिन में ये सारा डेटा किसको देगा वो लिक्विडेटर को ताकि लिक्विडेटर आने वाले जमाने में अच्छे से काम कर पाए तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसकी आरपी टू प्रोवाइड द डेटा टू किसको आईबीबीआई ताकि आईबीबीआई किसको देगा लिक्विडेटर को ताकि लिक्विडेटर को लिक्विडेट करने में आसानी होगी ऐसा लिखा है अरे बोलो भाई अब क्या लिखा है यहाँ पे इसको मैं पढ़ता हूँ अरे यहां तो लिक्विडेशन चालू हो गया बाद में अरे लिक्विडेशन कैसे चालू हो गया ये चैप्टर अभी यहां पे ये हो गया 75% चैप्टर मतलब हमने कंपनी को तारने की पूरी कोशिश की 32 सेक्शन के रिजल्ट क्या है एक तो कंपनी तारेंगे मतलब ऐसे काम करेगी और उनको नहीं जम रहा तो कंपनी इसके मुताबिक क्या हो जाएगी लिक्विडेट हो जाएंगे क्या हो जाएगी लिक्विडेट हो जाएगी लिक्विडेशन आ जाएगा कंपनी का ओके अंडरस्टूड अब हम लोग रिवाइज करेंगे एक चैप्टर चैप्टर नंबर 1 ऑफ डायरेक्टर्स आ जाओ जल्दी से अब आईबीसी मेरा पढ़ा के हो गया आज के लिए लेट्स सो वी आर मूविंग ऑन चैप्टर नंबर 1 गाइस कम ऑन लेट्स रॉक बोलो भाई बोलो जल्दी से कम ऑन फर्स्ट कम ऑन एवरीबॉडी कल हम लोग चैप्टर 3 का रिवीजन करके आज चैप्टर 1 करेंगे बोलो बच्चों चैप्टर 1 में क्या लिखा है कम से कम एक कंपनी में कितने डायरेक्टर चाहिए 1, 2, 3 ओपीसी 1 प्राइवेट 2 पब्लिक कम ऑन एवरीबॉडी मैक्सिमम क्या 15 हो सकते हैं 15 से ज्यादा करना है तो एक कंपनी में ऑलरेडी 10 डायरेक्टर थे जहां पे एओए में 10 लिखा था बोलो आगे क्या होगा 10 से करना है आगे तो आपको अमेंड करना पड़ेगा एओए के और बाकी तो आप ओआर से ला ही सकते हो बताइए दोस्तों वुमन डायरेक्टर 149 सबसेक्शन 1 का प्रोविजन नंबर 2 वुमन महिला डायरेक्टर कब जरूरी है ऑल द लिस्टेड कंपनीज एंड 100 करोड़ पेड अप 300 करोड़ व्हाट इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो वहां पे एक महिला का जुगाड़ करना जरूरी है बताओ बच्चों महिला अगर छोड़ के जाए तो उसकी अगली महिला अगले बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ्स विच इज लेटर में लाना जरूरी है आप बताएंगे दोस्तों अगले सवाल 149 सबसेक्शन 3 से रेसिडेंट डायरेक्टर एक डायरेक्टर कम से कम साल भर में कौन से कैलेंडर ईयर में फाइनेंशियल ईयर में कितना रहना चाहिए 182 डेज कम से कम रहना चाहिए फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर सोच लो एक बार श्योर फाइनेंशियल 149 सबसेक्शन 4 इंडिपेंडेंट हूं मैं इंडिपेंडेंट 3 बार बोलना पड़ेगा आने के बाद की पहली बोर्ड मीटिंग साल के पहली बोर्ड मीटिंग तीसरी बात जब भी उसका स्टेटस चेंज होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सैलरी मिलेगी हाँ मिलेगी रेम्यूनरेशन मिलेगा और क्या मिलेगा इसको रेम्बर्समेंट भी मिलेगा और साथ में प्रॉफिट का शेयरिंग भी मिलेगा ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिटायरमेंट बाय रोटेशन होता है क्या नहीं होता है बताओ ये रिस्पॉन्सिबल होगा क्या नहीं होगा प्राइमा फेसी नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल बी लायबल फॉर एनी पनिशमेंट फॉर हो सकती है अगर बताओ हो सकती है अगर क्या हो सकती है अगर बोलो जल्दी से
अगर उसने ध्यान नहीं दिया होगा, नेग्लिजेंस दिखाया होगा, केयरलेसली काम किया होगा, या उसने उस चीजों का भी हाँ बोल दिया जो चीजें गलत है. आपको सेक्शन याद आ रहे कि नहीं आ रहे? ओके गाइस, कम ऑन, टेल मी नाउ व्हाट इज दैट 149 सब सेक्शन 4 कहता है ये डायरेक्टर 5 साल के लिए अपॉइंट होगा. क्या उसको वापस से 5 साल के लिए ला सकते क्या? ओआर से 5 साल अगर उसको लाना तो वापस एसआर फिर 3 साल, तो 5 5 3 5 5 3 ओआर एसआर 3 ओआर एसआर 3 राइट नो. 5 साल से ओआर और 5 साल से एसआर 3 साल को लिंक. बताओ कौन से कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल? ऑल द लिस्टेड कंपनीज एंड व्हाट अनलिस्टेड के लिए 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़. भलो सही है नहीं? 10 करोड़ क्या पेड अप, 50 करोड़ बोरिंग, 100 करोड़ क्या? तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती तो उस कंपनी में एक एक नहीं 1/3 लिस्टेड कंपनी 1/3 है और अदर कंपनीज के लिए 2 डायरेक्टर होना जरूरी है. बताएंगे 150 का क्या कनेक्शन है इसके साथ में? ऐसे डायरेक्टर की जो डेटा बैंक है वो 150 में आती है. 150 में क्या होता है? डेटा बैंक. अब इसमें डेटा बैंक में अगर आपने गलत बंदे को सेलेक्ट कर लिया तो उसकी जिम्मेदारी वेबसाइट वालों की. बताओ वेबसाइट मेंटेन क्रिएट होती है क्या? मेंटेनेंस भी होता है उसका, मेंटेनेंस भी होता है. 150 में और चीजें बताओ. 150 में लिखा है कि 22 रुपीज देकर अपने को रजिस्टर करना है, 99 रुपीज में कंपनी रजिस्टर करेंगी. पर ये वेबसाइट वही हो सकती है जो एमसीए प्रमाणित होती है. यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की दुकान है, बराबर है. 161 नेक्स्ट पेज 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. बोलो जल्दी से स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. ये सेक्शन सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है. कम से कम इसका टेन्योर 3 साल का होता है. अगर ये गया तो वापस इस जिंदगी में वापस एसएसडी बोल के नहीं आएगा, उस कंपनी में आएगा अलग अदर कैपेसिटी में, बट 3 साल के कूलिंग पीरियड के बाद ही आएगा. बोलो आगे और कुछ भी बोलो. हमारे कंपनी के कितने लोगों ने 1000 लोग कौन से जिसका शेयर का वैल्यू 20,000 से ज्यादा का है? कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू? नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की अगर 20,000 से कम होगी तो उनको हम लोग स्मॉल शेयर होल्डर बोलते हैं. और ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर की संख्या अगर 1,000 हो या फिर उस बिरादरी के 10% लोगों अगर वो कंपनी को अप्लाई करेंगे तो कंपनी ओआर पास करके इनका एसएसडी अपॉइंट करेगी. पर जिस बंदे का एसएसडी बोल के अपॉइंट करे जरूरी नहीं कि वो कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर हो. वो जरूरी कोई और भी हो सकता है. ये कंपनी सुमोटो भी स्मॉल शेयर होल्डर को बुला सकती है क्या? सुमोटो भी एसएसडी को बुला सकती है कि एक एसएसडी दूसरे कंपनी में काम कर सकता है कि हाँ, पर दूसरी कंपनी पहले वाली की कंप्यूटर 161 1 2 3 4 एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी एडिशनल एक एजीएम से दूसरे एजीएम के बीच में जो डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं उसका नाम होता है एडिशनल. अगर पहले शक्ति कपूर को रिजेक्ट किया था उसको अब की बार डायरेक्टर अपॉइंट. इन चारों सेक्शन में एक चीज कॉमन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं और ये एओए के हिसाब से होते हैं. बताओ एडिशनल डायरेक्टर कब तक काम करता है? अगले एजीएम तक या एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड तक, व्हिच वाज अर्लियर. 161 सबसेक्शन 2 क्या होता है? अल्टरनेट. कैटरीना गई, अगर कैटरीना इंडिपेंडेंट थी तो दीपिका भी कौन होना चाहिए? कैटरीना कम्स इन दीपिका ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का चांस. कैटरीना है दीपिका, बोलो यार. 161 सबसेक्शन 3 नॉमिनल डायरेक्टर गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहती है तो नॉमिनेट कर सकती है. अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अरे अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ये सिर्फ नॉमिनेट ही कर सकते. 161 सबसेक्शन 4 कैजुअल वैकेंसी, कोई मर गया कोई छोड़ के चला गया हुआ तो उसके बिहाफ पे कौन अपॉइंट करेगा? लाना कंपलसरी क्या? ला भी सकता है क्या? श्रीदेवी की अमरीशपुरी कब तक काम करेगा? और अमरीशपुरी भी चलेगा तो वापस बोर्ड लाएगा? शोल्डर लाएंगे. अगला सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 के साथ में फर्स्ट डायरेक्टर वो होता है जो जिसका नाम एओए में लिखा होता है. अगर एओए में नहीं लिखा तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हो जाएगा. 152 सबसेक्शन 2 एवरी डायरेक्टर मस्ट बी अपॉइंटेड व्हाट एजीएम. 152 सबसेक्शन 3 हर कोई डायरेक्टर का पास में होना चाहिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. 152 सबसेक्शन 4 कहता है उसके इसमें DR8 होना चाहिए जिसमें बोल रहा है कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं और इसमें DIN भी होना चाहिए. 152 सबसेक्शन 5 कहता है उसके इसमें DI2 होना चाहिए जिसमें कह रहा है मेरा कंसेंट है, कंसेंट मैं काम करने को रेडी हूं. 152.6 में कहता है रिटायरमेंट बाय रोटेशन 2/3 ब्रैकेट में टोटल माइनस इंडिविजुअल डायरेक्टर. अगर फ्रैक्शन आएगा तो अपर राउंड ऑफ इतने डायरेक्टर बनेंगे रोटेशनल और इनका 1/3 बनेगा रिटायरिंग डायरेक्टर. तो साथ में से 2 लोग बनेंगे रिटायर. कौन से रिटायर होंगे? जो लॉन्गेस्ट पीरियड सर्व किए और एक साथ में अगर उन्होंने ज्वाइनिंग किया होगा तो वो आपस में म्यूचुअली डिसाइड करेंगे या फिर बाय लॉट. अच्छा जो लोग जाएंगे ए भी जाएंगे तो ए भी आ सकता है क्या? हाँ. एक्स वाई भी आ सकता है क्या? और कोई भी नहीं आ सकता है ऐसा भी कुछ भी हो सकता है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा मान लो उस मीटिंग में किसको नहीं लाया, एडजन में भी किसको नहीं लाया, क्या होगा? जो गए थे उनका ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो सकता है अगर वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, उनकी विलिंगनेस है. तीसरी बात, उनका रिजोल्यूशन लॉस्ट नहीं हुआ और किसी भी जगह पे लॉ में ऐसा नहीं लिखा कि ORSR पास करने की जरूरत है. तो जो डायरेक्टर गए हैं वो एडजन में ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं. सेक्शन नंबर 160 सनी लियोन को बनना डायरेक्टर. क्या चाहिए? 1,00,000 रुपए चाहिए, DR2 चाहिए, DR8 चाहिए, DIN चाहिए. कहां जाएगी नोटिस? कंपनी के पास जाएगी. कंपनी में क्या पास होगा? ओआर पास होगा. ओआर पास हुआ अगर हुआ तो अच्छी बात है, उसका DI-12 में सबमिट कर देंगे. सनी लियोन हमारी क्या बन चुकी है? अगर 25% से वोटिंग जिसको कम मिले उसका रिफंड भी वापस. निधि कंपनी में 1,10,000 रुपए और सेक्शन 8 कंपनी में क्या बोलती है, ये रिफंड देना कि नहीं देना ये उनका अपने मर्जी का सवाल है.
एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर दूसरे कंपनी का ऑल्टरनेट, एक ऑल्टरनेट मान लो दीपिका ऑल्टरनेट है कैटरीना की, क्या वो सलमान की भी ऑल्टरनेट बन सकती है? मान लो दीपिका, सलमान खान और कैटरीना तीनों भी डायरेक्टर है, तीनों डायरेक्टर है, और गई कैटरीना, तो दीपिका को वो ऑल्टरनेट बोल के बुला सकती है नहीं? बिकॉज दीपिका ऑलरेडी एक पोजीशन होल्ड कर रही है, ऑल्टरनेट का पोजीशन होल्ड नहीं कर सकती है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बताएंगे दोस्तों 162, हर कोई रिजोल्यूशन में, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, चार डायरेक्टर एक ही रिजोल्यूशन में अपॉइंट हर डायरेक्टर के लिए, और ऐसा करना ही है तो मीटिंग चालू होने से पहले आपने यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना चाहिए शेयर होल्डर का, और किसी को आपत्ति नहीं है तो हम लोग सारे डायरेक्टर को एक साथ भी अपॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 153 से लेकर 159 अबाउट डीन के लिए अप्लाई करेंगे DI-3 में, कितने दिनों में? 154 बोलता है कि आपको एक महीने के अंदर डीन मिल जाएगा। बताओ वो डीन के अलावा क्या हमारे पास में, अगर गवर्नमेंट ने कोई आधार नंबर सब्सक्राइब किया है, प्रिस्क्राइब किया है, तो वो भी रहा तो चलेगा क्या? 150 पे क्या बोलता है, एक आदमी के पास में एक, 156 क्या बोलता है, अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग कोई कंपनी में डायरेक्टर थे तो सबको 30 दिनों के अंदर इंटीमेट करना चाहिए डीन आने के बाद। 157 में इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी, क्या करना चाहिए कंपनी ने, ROC को सबमिट करना चाहिए, भैया मुकेश अंबानी का डीन है 15 दिन में सबमिट कर दो। 158 आज के बाद में जब भी ROC के साथ में MC के साथ में कुछ भी डेटा दोगे, मेक श्योर आपने डीन को इन्फॉर्म किया, डीन को लिखा होगा। 159, 152 में, 5 में, 6 में, अगर कुछ गलती है उसकी सजा होगी। 159 में व्हाट इज 160, कैंसिल और सरेंडर कब होगा? भाई मैं अगर मेरी इच्छा नहीं तो मैं सरेंडर कर सकता हूँ, कैंसिल कब होगा? एक से ज्यादा डीन होल्ड कर रहा तो आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट देके अगर डीन लिया होगा तो, अगर हम मर गए होंगे तो, इंस्टॉलमेंट हो गए होंगे तो, या फिर पागल हो गए होंगे तो, ऐसे कोई भी केस में आपका डीन कर देंगे कैंसिल पर, अपॉर्चुनिटी पिंग कर देना जरूरी है। व्हाट इज दैट बताएंगे, वर्मा थी शर्मा हो गई, अगर नाम DI-3 का जो डेटा अगर चेंज हुआ तो आपने 30 दिनों के अंदर DI-6 में अपलोड करना चाहिए कि मेरा नाम चेंज हुआ, और मोर ओवर 15 डेज के अंदर अपने कंपनी को भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि मेरी शर्मा थी वर्मा हो गई। इज इट ओके? फॉर्म नंबर DI-3 है, DI-6 है। अगला प्रश्न आपके सामने 164, बताएंगे 164, 1 and 2, कम ऑन एवरीबॉडी गाइस, कम ऑन, बोलो भाई बोलो, अरे बोलो ना कुछ भी बोलो। वन में और टू में क्या होता है, अगर वो अनसाउंड माइंड हो गया, दूसरी बात अनडिस्चार्ज इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस के लिए अप्लाई भी किया होगा तो। नंबर फोर में अगर वो जेल में गया होगा, जेल में अगर उसको 6 महीने तक हो तो कुछ प्रॉब्लम है, 6 महीने से 7 साल तक गया होगा तो जेल से आने के 5 साल के लिए, और 7 साल से ज्यादा के लिए जेल में गया तो जिंदगी भर के लिए डिस्क्वालीफाइड। किसी भी ट्रिब्यूनल ने या फिर किसी भी कोर्ट ने बोला ये नहीं बन सकता तो नहीं बनेगा। कॉल मनी 6 महीने से नहीं, कॉल मनी 6 महीने से 1 साल से, 6 महीने से कॉल मनी हमारा ड्यू देने का नाम नहीं। RPT के 5 साल जो गंदे काम के, RPT में जो गंदा काम है तो उसके 5 साल खत्म नहीं हुए, और साथ साथ में उसके में डिन नहीं है, ऐसे केसेस में वो जिंदगी भर क्या होता है, ऐसे केस में वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ये डिस्क्वालीफाइड का टेन्योर विल वेरी फ्रॉम केस टू केस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 164, 1 and 2? 1 में क्या होता है, एक एक आदमी डिस्क्वालीफाइड होता है, 2 में एक एक आदमी डिस्क्वालीफाइड नहीं होता, ऑल ऑफ देम आर गेटिंग डिस्क्वालीफाइड, बराबर है। 164 2 का सबसेक्शन 1 बोलो, फाइनेंशियल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, अगर आपने दोनों में से एक भी अगर लगातार 3 साल तक अगर आपने सबमिट नहीं किया, दोनों में से एक भी अगर लगातार 3 साल तक सबमिट नहीं किया तो क्या? अरे बोलो यार, 5 सालों तक क्या हो जाएंगे आप? डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, 5 साल के लिए हो जाएगा डिस्क्वालीफाइड। और 164(2) की बात करो, 2B, डिबेंचर डिपॉजिट एंड वॉट, इनका इंटरेस्ट भी, अगर ये ड्यू हुआ है 1 साल खत्म हुए फिर भी अगर आपकी कंपनी नहीं दे रही तो आपकी कंपनी के सारे डायरेक्टर 5 साल के लिए, अच्छा होता सारे डायरेक्टर निकल जाते तो कंपनी में काम कौन करेगा? कंपनी के डायरेक्टर कौन? प्रमोटर अपॉइंट करेगा, प्रमोटर ने नहीं अपॉइंट किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगा। सेक्शन नंबर 167 बताएंगे कौन सी कंडीशन में आपकी कंपनी, देखो 64 और 67 में फर्क है, 64 में ऐसे लोग डायरेक्टर बनेंगे नहीं, 67 में बनने के बाद निकाल देंगे, तो 67 में क्या बात है, 12 महीने से आदमी मीटिंग करता ही नहीं। दूसरी बात, अगर 164 में जो डिस्क्वालिफिकेशन वो हो गई या फिर वो डायरेक्टर को वो लिखा ना किसी भी ट्रिब्यूनल ने कह दिया होगा, मतलब 164 का 3 कंडीशन है, एक तो 164 पूरा है, एक ट्रिब्यूनल वाला पॉइंट है और एक जेल वाला पॉइंट है, उसके बाद में आप बताओ उसमें भी क्या लिखा मालूम क्या, ये जेल वाली कंडीशन को आपको मालूम है, वो जेल अगर मान लो उसमें जेल हुई होंगी, उसने अपील किया होगा तो अपील किया तो वो डिस्क्वालीफाइड, वो वैकेट नहीं करेंगे, वो भी अगर अपील का रिजल्ट आ भी गया तो 7 दिन तक वो डिस्क्वालीफाइड नहीं, उसने और एक नेक्स्ट लेवल पे अपील किया होगा तो तभी भी वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, कब तक डिस्क्वालीफाइड नहीं, रिजल्ट आने के 7 दिन तक वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। अगला सवाल देखो, 164 के 3 पॉइंट हो गए, एक और पॉइंट हो गया, 184 के 2 पॉइंट है कि मैं इंटरेस्टेड, उसने बोला ही नहीं और इंटरेस्टेड है फिर भी वो मीटिंग में बैठ गया, तो ऐसे केसेस में वो क्या बन जाएगा, वैकेट करना पड़ेगा। 169 की तरफ उसका रिमूवल हो चुका है तब भी वैकेट हो जाएगा, और साथ साथ में मान लो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर था इसलिए उसको सब्सिडियरी में डायरेक्टर बनाया था, अब होल्डिंग से निकल गया तो सब्सिडियरी में से निकल जाए, तो बताओ कौन से पॉइंट हो गए, 164 के 3 पॉइंट,
184 के दो पॉइंट, 12 महीने वाला एक पॉइंट, 169 के रिमूवल वाला एक पॉइंट, और लास्ट पॉइंट में होल्डिंग से निकल के तो सब्सिडी से निकालना पड़ेगा। इन सारे केस में उसको निकाल देंगे। अब बताएंगे दोस्तों, क्या डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है? क्या कर सकता है? क्या डायरेक्टर की रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करना? अगर नहीं भी एक्सेप्ट किया तो रिजाइन, पर रिजाइन करने के पहले सारे की जो पाप है उसके, उसके लिए वो कल भी रिस्पॉन्सिबल था और आज भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे उसने रिजिग्नेशन दिया, 30 दिनों के अंदर वो इन्फॉर्म करेगा मम्मी मैंने क्यों रिजाइन किया आरओसी को, और ये डीआर 11 में वो इन्फॉर्म करेगा, और डीआर 12 में कौन इन्फॉर्म करेगा? कंपनी इन्फॉर्म करके कि हमारा जो डायरेक्टर था अब वो डायरेक्टर नहीं है। व्हाट इज 169? स्पेशल नोटिस देके हम लोग राखी सावंत को डायरेक्टर बोल के निकाल सकते हैं। स्पेशल नोटिस मेंबर देगा, किसको देगा? कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में। फिर कंपनी क्या करेगी? जनरल मीटिंग बुलाएगी। जनरल मीटिंग में अगर ओआर पास हो गया राखी सावंत के अगेंस्ट में तो राखी सावंत को निकाल देंगे। पर इसमें क्या होता है, पूरी केस में जब राखी को निकाला जाता ना तो राखी को एलिगेशन जब लगते राखी को मौका देते, अगर राखी ने रिप्लाई टाइम पे कर दिया तो नोटिस के साथ में राखी का रिप्लाई भेजेंगे, और राखी ने अगर टाइम पर रिप्लाई नहीं किया होगा तो उसको मीटिंग में रीड आउट करने का मौका देंगे। पर इन दोनों भी केसेस में अगर वो फालतू की बकवास करने लगी, नीडलेस पब्लिसिटी कर रही होंगी, ना उसको बोलने देंगे ना उसका लेटर साथ में भेजेंगे। इज इट ओके? पर इसी केस में अगर हमने ये इसमें हो गया राखी को निकाल दो और बोला होगा दीपिका को अपॉइंट करो, तो दीपिका को अपॉइंट कर लेंगे, तो दीपिका कब तक काम करेगी? जब तक राखी का अनएक्सपायर पीरियड। मान लो इसमें किसी को अपॉइंट किए नहीं तो वहां पर बन जाएगा कैजुअल वैकेंसी, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वापस से अपॉइंट कर सके। आपसे अगला सवाल है, बताएंगे 165 एक बंदा कितने कंपनी में डायरेक्टर बनेगा? मैक्सिमम 20 का, आउट ऑफ दोस 20 कंपनीज 10 कंपनी पब्लिक से ज्यादा नहीं, और हर कोई प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडियरी है हम उसको पब्लिक ही कंसीडर करें। मान लो 20 कंपनी में डायरेक्टर है, 21वीं कंपनी डोरमेंट है, चलेगा? 165, 66 डायरेक्टर की ड्यूटीज। एक डायरेक्टर ने हमेशा क्या करना चाहिए? एओए के हिसाब से काम करना चाहिए, गुड फेथ में काम करना चाहिए, और रीजनेबल केयर करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? कॉन्फ्लिक्टिंग काम नहीं करना चाहिए, अपना पद किसी डेलीगेट नहीं करना चाहिए, और साथ साथ में अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए। 170 की बात करिए, कोई भी केएमपी और कोई भी डायरेक्टर है, सबने उनका नाम, उनका पता, और उन्होंने होल्डिंग के अंदर, सब्सिडी के अंदर, होल्डिंग के सब्सिडी के अंदर, कंपनी के अंदर कितना स्टेक सिक्योरिटी होल्ड की है, उसका पूरा एक रजिस्टर बनना चाहिए। किसका? केएमपी और डायरेक्टर ने हमारी कंपनी में होल्डिंग में, होल्डिंग के सब्सिडी में, सब्सिडी में कितना कितना शेयर होल्ड किया, उसका पूरा एक रजिस्टर बनना चाहिए। पर ऐसा रजिस्टर बन के क्या फायदा होगा अगर उसको एक्सेस है? तो इसलिए मेंबर वहां पर जाके चेक कर सकता है कौन से आर्स में, और क्या वो एक्स्ट्रैक्ट ले सकता है क्या? क्या उसको कॉपी 30 दिनों के अंदर मिलना चाहिए? नहीं मिले तो आरओसी को बोल सकता क्या? क्या जनरल मीटिंग के दौरान ये रजिस्टर खुला रहना चाहिए? क्या जनरल मीटिंग में वो लोग भी देख सकते हैं जो प्रॉक्सी है? और 172 इस पूरे 149 से लेके 170 तक, बोलो आगे क्या? जिसका कोई स्पेसिफिक पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं है उसको वो फाइन लगती जो 172 में, वही बंदा जो डिफॉल्टिंग है। सेक्शन नंबर वापस बोलो, 149 से क्या बोलेंगे? एक तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है 149 सबसेक्शन 1 का प्रोविजन टू वुमन डायरेक्टर, 149 सबसेक्शन 3 रेसिडेंट डायरेक्टर, 149 सबसेक्शन 4 इंडिया, 150 डेटा बैंक, 151 स्मॉल शेयर होल्डर, 152 1 फर्स्ट डायरेक्टर, 152 2 हर किसी के पास, हर कोई अपॉइंटमेंट ओआर से होगा जनरल मीटिंग, 152 3 देन होना चाहिए, 152 4 उसके उसमें डीआर 8 होना चाहिए मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं, 152 5 डीआर 2, 152 6 रिटायरमेंट बाय रोटेशन, 152 7 ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट, 153 डिन, 154 डिन मिलेगा 30 दिन में, 155 एक आदमी के पास, 156 में जो जो कंपनीज को 30 दिन में इन्फॉर्म करेगा, 157 में कंपनी इन्फॉर्म करेगी आरओसी को 15 डेज में, 158 में आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे जब भी कुछ देंगे तो, 159 पनिशमेंट ऑफ, 152 155 160 अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा सनी लियोन को 160 में, 161 1 1 2 3 4 एडिशनल ऑल्टरनेट नॉमिनी के, 162 एक डायरेक्टर का एक रिजोल्यूशन में सिर्फ, 164 डिस्क्वालिफिकेशन, 165 एक आदमी कितने कंपनी में डायरेक्टर, 166 ड्यूटीज, 167 वैकेशन, 168 रेजिग्नेशन, 169 रिमूवल, 170 मेंबर का वो रजिस्टर बनेगा, 171 इंस्पेक्शन, 172 पनिशमेंट, 196 अपॉइंटमेंट, 197 रेमोशन, 198 पी एंड एल अकाउंट, 199 रिकवरी, 200 एसआर पास करने से पहले कौन सी बातें सोचना चाहिए, रूल्स सेक्शन, 201 मोदी से मिलने जाएंगे MR2 लेके जाना पड़ेगा, 202 लॉस ऑफ ऑफिस, 203 KMP, 204 बड़े कंपनीज का CS ऑडिट, 205 CS का फंक्शन, 205 CS का फंक्शन, 204 बड़े कंपनी का, 203 KMP, 202 लॉस ऑफ ऑफिस, 201 CG अप्रूवल, 200 फैक्टर्स टू बी कंसीडर अगर आपने किसको एक्सेस सैलरी दी हो, 199 रिकवरी, 198 पीएनएल का, 197 एंड 196 ओके, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर गाइस, बाय बाय।